लेट अस स्टार्ट ए वेरी इजी चैप्टर फॉरेक्स मैनेजमेंट। सर हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए व्हाई फॉरेक्स, व्हाई फॉरेक्स क्यों जरूरत है आपको फॉरेक्स की? सर हम इंपोर्ट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, मेनली कहा, मैंने ये नहीं कहा सब कुछ यही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पड़ती है। अगर हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो हमें सामने वाले को जो पेमेंट करनी पड़ती है वो किस में करनी होगी? हमें फॉरेन करेंसी में, ठीक है। या अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने वाले से पेमेंट किस में आएगी? फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि वाई फॉरेक्स। सर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हमें फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? इज दैट क्लियर? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर टू, फॉरेन करेंसी और होम करेंसी, फॉरेन करेंसी और होम करेंसी। सर व्हाट इज होम करेंसी, व्हाट इज होम करेंसी? कंट्रीज ओन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन करेंसी अदर देन होम करेंसी, राइट? कॉन्सेप्ट नंबर टू इज फॉरेन करेंसी क्या है? सर जो होम करेंसी नहीं है वो फॉरेन करेंसी है। और होम करेंसी क्या है? कंट्री की अपनी, कंट्री की अपनी करेंसी। जैसे कि इंडिया के लिए रुपीज, रुपीज क्या है? होम करेंसी, राइट? हाँ, आपको साथ साथ नोट करते चले जाना है। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बेसिकली हमारा फॉरेक्स स्टार्ट होता है। आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? आ रही है दोस्त संदीप जी, मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, आप अपने सेटिंग चेक कीजिए जी। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स? इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स क्या है? संदीप जी आपको सिर्फ फेस नजर आ रहा है तो आप प्लीज अपनी सेटिंग चेंज कीजिए, कुछ सेटिंग में इशू है आपके यहाँ पर, तो स्वाइप कर दीजिए और शायद वो सेटिंग में कुछ इशू है आपके, राइट? इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स? सर समझिए इस चीज को, होता क्या है, जब भी हमें फॉरेन करेंसी को खरीदना या बेचना होता है, भाई मैं अनूप मोदी मान लीजिए मैं इंपोर्टर हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉरेन करेंसी बैंक से जाकर खरीदनी पड़ेगी या फॉरेक्स डीलर से जाकर खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, अगर मैं कौन हूं? इंपोर्टर, ठीक है। और अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे शायद बैंक को जाकर फॉरेन करेंसी बेचनी होगी, ठीक है ना। तो अब बैंक हमें एक रेट कोट करता है, अब उस रेट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है वो हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं जरा किस तरीके से हम रेट की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मान लीजिए हमें बैंक ने एक रेट कोट किया, $1 इज इक्वल टू ₹70 और ₹71। हालांकि मैंने गैप ज्यादा ले लिया, ₹1 का गैप इतना ज्यादा नहीं होता प्रैक्टिकल। $1 में ₹70 हैं
और 71 रुपीज़ हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या की जड़ है सर। क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन, इसको समझिए। देखिए, ये है हमारे बैंक, ये हमारे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है कस्टमर। कस्टमर गया बैंक के पास, कस्टमर गया यानी मान लीजिए मिस्टर इम्पोर्टर, मिस्टर इम्पोर्टर गए बैंक के पास और बैंक को कहा, बैंक जी मुझे कुछ डॉलर की ज़रूरत है, तो कृपया करके आप मुझे कुछ डॉलर दे दीजिए, मैं उसके बदले आपको रुपीस दे दूंगा। अब बैंक ने ये वाला रेट कोट किया। अब बात आती है कि हम पर इनमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। मिस्टर इम्पोर्टर को $10,000 की ज़रूरत है। हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि इस रेट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। देखिए, पहली बात, ये जो रेट कोट होगा, ये जो रेट कोट करेगा, ये बैंक कोट करता है हमेशा। बैंक जो रेट कोट करेगा वो बैंक कोट करेगा, ठीक है। रेट हमेशा बैंक कोट करेगा, पहली बात। और रेट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का होगा, रेट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का होगा। मतलब क्या हुआ सर? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है डॉलर, रेट हमेशा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का होगा। अगर लेफ्ट में रुपीस होते तो ये रेट रुपीस का होता। यहां पे ये कोई लेना देना नहीं है कि आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं या होम करेंसी की बात कर रहे हैं। सीधी सी, बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, रेट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का होता है, और जो कि कौन कोट करता है? बैंक कोट करता है, ठीक है। अब बैंक क्या बोलेगा? दिस इज कॉल्ड बिड रेट, बिड रेट, एंड दिस इज कॉल्ड आस्क रेट। यानी सिंपल, दिस इज बाइंग रेट एंड दिस इज सेलिंग रेट। अब क्या बाइंग और सेलिंग सर? कंफ्यूजन यहां बहुत बड़ी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। क्या बाइंग और सेलिंग, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिड रेट का मतलब क्या है? बिड रेट का मतलब है कि बैंक, बैंक माइंड में रखिएगा, बैंक ना कि कस्टमर, बैंक लेफ्ट एंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर खरीदेगा 70 रुपए में। बैंक डॉलर, डॉलर खरीदेगा, खरीदेगा यानी खरीदेगा मतलब बैंक के पास डॉलर आएंगे। खरीदने का मतलब हो गया बैंक के पास डॉलर आएंगे। बैंक डॉलर खरीदेगा और कस्टमर को रुपए दे देगा। बैंक डॉलर खरीदेगा, हमें फोकस इस पे करना है, दो शब्दों पे। मैंने दो शब्द यूज किए, बैंक, बैंक डॉलर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। बैंक, एक मैंने वर्ड यूज किया बैंक, और दूसरा वर्ड यूज किया लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। बैंक डॉलर खरीदेगा 70 रुपए में, और बैंक डॉलर बेचेगा 71 रुपीस में। बैंक डॉलर खरीदेगा 70 में, बेचेगा 71 में, ठीक है सर। बैंक डॉलर खरीदेगा कितने में? 70 रुपए में। बैंक डॉलर बेचेगा कितने में? 71 में। तो जब भी आपको रेट एप्लीकेबल देखना होगा तो अपने माइंड में सिर्फ एक बात सेट करनी पड़ेगी कि बैंक लेफ्ट करेंसी बेच रहा है या बैंक, बैंक, बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना कि कस्टमर लेफ्ट करेंसी बेच रहा है या खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बड़े ध्यान से मैं आपको चार तरह की लैंग्वेज बताने वाला हूं इसी एग्जाम्पल के अंदर। बड़े ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। मिस्टर इम्पोर्टर को $10,000 चाहिए थे क्योंकि उन्होंने यूएसए से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, उन्हें $10,000 की जरूरत थी। वो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास,
बैंक जी मुझे कृपया करके आप डॉलर दे दो और मुझसे रुपए ले लो। अब बींग ए स्टूडेंट मेरे माइंड में चार तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो केवल ठीक एक होगी, बाकी तीन गलत होंगी। पहली बात, आप लोग सोच सकते हैं कि कस्टमर विल बाय डॉलर। भाई कस्टमर डॉलर बाय कर रहा है, बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बात गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बात गलत है। मैंने कहा जब हम रेट को अप्लाई करेंगे तो ये शायद गलती हो सकती है, लेकिन बात तो ठीक है सर, कस्टमर यहां पर डॉलर बाय कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, कस्टमर डॉलर बाय तो कर ही रहा है। दूसरी बात आपके दिमाग में क्या आ सकती है, कस्टमर विल सेल रुपीस, बिल्कुल ठीक बात है सर, कस्टमर रुपए क्या कर रहा है, कस्टमर रुपए बेच रहा है, देखो ना कस्टमर रुपए बेच रहा है, आप देखिए ध्यान से, कस्टमर रुपए बेच रहा है मतलब देना हो गया, मतलब बेचना, देना मतलब बेचना, कस्टमर रुपए बेच रहा है। और तीसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है सर, थर्ड लैंग्वेजेस, बैंक विल बाय रुपीस, भाई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपए को खरीद रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, रुपए को तो खरीद ही रहा है, क्या समस्या है इसमें, क्या आपने कोई गलत बात बोली? नहीं सर हमने बिल्कुल गलत बात नहीं बोली। फोर्थ, बैंक विल सेल डॉलर, क्या आपने ये बात गलत बोली? नहीं सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बैंक डॉलर सेल करेगा। अब दिक्कत क्या है, यहां आ रहा है बाय, यहां आ रहा है सेल, यहां आ रहा है बाय और यहां आ रहा है सेल, अब रेट कौन सा लगेगा, कौन सा रेट लगेगा? सर सुनिए जरा ध्यान से, पहली लैंग्वेज में क्या गलती है, हमेशा ध्यान रखिए, ये जो रेट कोट करता है ये बैंक कोट करता है, तो आप कभी भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, ठीक है? आपने यहां क्या किया, गलती क्या कर दी, आपने सोचा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गलत गलत। आपको केवल और केवल एक लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है या बैंक लेफ्ट करेंसी बेच रहा है, बस केवल आपको इसी पर फोकस करना है, ठीक है ना? ठीक है सर। अब कस्टमर आ गया तो सर बात खराब हो गई, हाँ लेकिन हम डॉलर की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट के बारे में बात करनी है, लेफ्ट करेंसी के बारे में बात करनी है, तो हम डॉलर की बात कर रहे हैं, ये पहले पॉइंट में ठीक बात है, लेकिन हम कस्टमर की बात कर रहे हैं ये गलत है। कस्टमर डॉलर बाय करेगा या नहीं करेगा या क्या करेगा, हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना जब भी हम रेट डिसाइड करेंगे, हालांकि ये बातें चारों ही ठीक हैं। दूसरा है कस्टमर, ओहो फिर कस्टमर आ गया, गड़बड़ है सर, अरे बाप रे यहां तो हम उल्टा रुपीज के बारे में सोच रहे हैं, ये भी गलत है सर। कभी भी आप राइट हैंड साइड करेंसी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप हमेशा फोकस किस पर करेंगे, आप हमेशा फोकस किस पे करेंगे कि बैंक डॉलर खरीद रहा है या बेच रहा है। यार सिंपल सी बात है, रेट किसने दिया है, बैंक ने, किस चीज का रेट दिया है, डॉलर का, बैंक कहता है यार मैं डॉलर खरीदूंगा 70 में बेचूंगा 71 में, भाई बैंक कमाएगा भी सही ना, बैंक कमाएगा भी तो सही, तो 70 का खरीदेगा 71 का बेचेगा, बैंक ने रेट दिया है। थर्ड पॉइंट में क्या गड़बड़ है, थर्ड पॉइंट में बैंक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, विल बाय रुपीस, गड़बड़ कर दी सर, रेट है डॉलर का तो रुपीस को दिमाग में लेकर नहीं आना, तो ये गड़बड़ क्या हुई थर्ड पॉइंट में कि आप रुपीस के बारे में बात कर रहे हो, राइट? क्लियर पॉइंट नंबर, बैंक
बिल सेल डॉलर, ये दोनों चीजें ठीक हैं। हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं और लेफ्ट करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। जहां बैंक और लेफ्ट करेंसी की बात होगी केवल वही हमारी लैंग्वेज ठीक होगी, बाकी सब गलत होगा। सिंपल सी बात है, आपको हर ट्रांजेक्शन में, हर लेन देन में केवल एक बात चेक करनी होगी कि बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है तो बिड रेट लगेगा, बैंक लेफ्ट करेंसी बेच रहा है तो आस्क रेट लगेगा। ठीक है, लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है तो बिड रेट लगेगा, यानी बिड रेट का मतलब है बैंक विल बाय लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, यानी कि फिलहाल इस एग्जांपल में डॉलर, बैंक विल बाय लेफ्ट हैंड साइड करेंसी एट दिस रेट। और इसका मतलब क्या है सर? बैंक विल सेल लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर एट दिस रेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, बच्चे का डाउट आया है, सर ये डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है? बच्चा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट की बहुत बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, पहले तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट से फोकस कीजिए। मुझे बस ये बताइए कि अब मेरी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, अब मुझे सबका आंसर चाहिए यहाँ पर, अब सब बच्चे एक्टिव हो जाइए, मुझे आपका सबका आंसर चाहिए और सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर कॉपी सब होना चाहिए आपके हाथ में, और मुझे आप फटाफट से हर चीज़ का आंसर करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, इम्पोर्टर को 10,000 डॉलर चाहिए, इम्पोर्टर को 10,000 डॉलर चाहिए, बैंक 10,000 डॉलर बेच रहा है, बैंक 10,000 डॉलर बेच रहा है, मुझे बताइए। सब बच्चे को आंसर में पाना चाहिए, यहाँ पर एप्लीकेबल रेट कौन सा होगा? एप्लीकेबल रेट कौन सा होगा सर? एप्लीकेबल रेट डिसाइड करने के लिए, एप्लीकेबल रेट डिसाइड करने के लिए हमें केवल एक चीज पर फोकस करना है, क्या? बैंक लेफ्ट करेंसी बेच रहा है या लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है? मुझे बताइए, बैंक यहां पर डॉलर बेच रहा है या डॉलर खरीद रहा है? सर हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बैंक डॉलर बेच रहा है, तो द एप्लीकेबल रेट इज 71। दो बच्चों का आंसर मेरे पास गलत आया था बेटा, जो बच्चे 70 बोल रहे हैं वो एक बार जरा मुझे दोबारा मैसेज कीजिए जल्दी से, कि जिनके माइंड में है 70, मैं उनको एक बार रिपीट कर दूं कि बैंक डॉलर बेच रहा है या डॉलर खरीद रहा है। सर इस ट्रांजेक्शन में बैंक डॉलर बेच रहा है, बेचेगा तो रेट लगेगा आस्क रेट। इज दैट क्लियर? आस्क रेट लगेगा अगर बैंक लेफ्ट करेंसी बेचेगा तो। ठीक है, तो रेट लग गया 71। ठीक है सर, तो द एप्लीकेबल रेट विल बी $1 में ₹71। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितने डॉलर इन्वॉल्व हैं जिसे हमें रुपए में कन्वर्ट करना है? 10,000, राइट? हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितने डॉलर के बदले कितने रुपए बैंक को देने पड़ेंगे, इसमें कितने डॉलर इन्वॉल्व हैं? 10,000। ठीक है, अब मुझे बताइए, $1 में अगर 71 रुपीज हैं तो $10,000 में कितने रुपए होंगे? जल्दी से सब बच्चे आंसर दीजिए, मैं इसमें कुछ बताने वाला हूं आपको। अगर $1 71 रुपीज का है तो मुझे बताइए $10,000 में कितने रुपए होंगे? सब बच्चे बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सर आप कैसी कैसी बातें करते हो, आप तो हमारा अपमान कर रहे हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं सर इंटू 71 होगा, क्या समस्या है इसके अंदर? $1 में अगर 71 रुपीज है तो $10,000 में 7,10,000 रुपए होंगे, मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा कैसे पता चला? कहते हैं सर अंडरस्टूड है सर, अभी लग रहा है अंडरस्टूड है।
जब बाद में डीएम डॉलर और आपके ये दुनिया भर की करेंसी मिक्स हो जाएंगी ना, पाउंड वगैरह, तो आपको ये जनरल नहीं लगेगा। अब एक सिंपल सा रूल समझ लीजिए, सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि जब भी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। जब भी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा, मुझे बताइए, मेरे पास क्या थे? 10,000 डॉलर, डॉलर थे ना, और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना था? रुपीज में। जब भी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा साहब, जब भी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। और जब भी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर अभी लग रहा था ये आसान है, आगे जाके ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सा रूल बना लीजिए, हालांकि रटने वाली बात तो नहीं है। देखिए, पहली बात, इस दुनिया में रटने नाम की कोई चीज होती नहीं है, रटना तो कुछ है ही नहीं आपने सर। सिंपल सी बात है, 1 डॉलर में अगर 71 रुपीज है, तो 10,000 डॉलर में 71 के हिसाब से 7,10,000 रुपये होंगे। ये जनरल सी बात है, लेकिन हमने क्या रूल बना लिया कि जब भी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई। और जब भी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा डिवाइड होगा। राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तो कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। ये सर मैंने अपने नोट्स में कुछ करेंसी सिंबल डाल दिए हैं सारे, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये सब, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स का क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ये हमारे बेसिक्स कुछ क्लियर करेगा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। जहां तक बात है, आप कुछ एक स्टूडेंट ने डाउट रेस किया था, सर डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, ये बात हम करेंगे ही नहीं। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, फिलहाल हम ऐसी बात नहीं करेंगे, इस बात को हम बाद में देखेंगे कि ये किस काम आएगा। आइए देखते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट हाउ मैनी USD, सर जल्दबाजी मत कीजिएगा बस, ए न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म विल रिसीव और पे फॉर इट्स फॉलोइंग 3 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। कहता है एक न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म है, ठीक है, और 3 हमारी क्या है? फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन। अब न्यूयॉर्क में क्या चलता है? डॉलर। अब इन्होंने 3 ट्रांजेक्शन की, अब ये देखने जा रहे हैं सर कि उसमें कितना USD इन्वॉल्व होगा, ठीक है। द फर्म रिसीव डिविडेंड अमाउंटिंग टू €1,20,000 फ्रॉम इट्स फ्रेंच एसोसिएट कंपनी। आइए पहली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, आइए जल्दी से बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। ये हैं हमारे बैंक जी, ठीक है सर, बैंक यानी कि फॉरेक्स डीलर। और साहब ये हैं हमारे कस्टमर, ठीक है, राइट, जो कि कहां पर है? जो कि न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और हमारी दुनिया में क्या चलता है सर? हमारी दुनिया में चलता है डॉलर। अब इस कस्टमर को कहीं से क्या आए? USD, नहीं सॉरी, यूरो। इसको कहीं से यूरो आए, और हमारी दुनिया में क्या चलता है? USD। तो हमें USD और यूरो के बीच में क्या रिलेशन है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला रेट है सर, ये वाला क्या रेट है साहब? बैंक ने क्या रेट कोट किया? बैंक ने कहा कस्टमर जी हमारा तो ये रेट है। क्या रेट है? दिस वन। राइट, ये हमारा रेट है।
अब कस्टमर सोच रहा है यार इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, अब आप बताओ कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। सर बड़ा सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस मुझे इस ट्रांजैक्शन में ये बता दो कि बैंक डॉलर बेच रहा है या डॉलर खरीद रहा है। ट्रांजैक्शन किसी में हो रही है मुझे मतलब नहीं है, क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है। बैंक लेफ्ट करेंसी, चाहे अगर लेफ्ट में यूरो होता तो मैं क्या बोलता, मुझे ये बता दो बैंक यूरो बेच रहा है या यूरो खरीद रहा है, लेकिन फिलहाल लेफ्ट में क्या है डॉलर। तो मुझे केवल और केवल और केवल क्या देखना है, बैंक डॉलर खरीदेगा या डॉलर बेचेगा, बस इस पे फोकस करना है। सर कस्टमर बैंक को देगा यूरो और बैंक कस्टमर को देगा डॉलर, बैंक डॉलर दे रहा है मतलब डॉलर बेच रहा है। लिखिए फर्स्ट में, इन दिस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बैंक विल सेल लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बैंक विल सेल डॉलर। तो द एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल रेट इज व्हाट, आस्क रेट, बेच रहा है ना सर, बेचने का रेट तो ये है, यूरो 0.8, राइट 0.8, इज दैट क्लियर। बैंक इज सेलिंग डॉलर, बस आपको केवल ये चेक करना है कि बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है या लेफ्ट बेच रहा है, बस इसके अलावा कहीं फोकस नहीं करना सर, इधर उधर नहीं देखना कि कस्टमर डॉलर बेचेगा या कस्टमर यूरो खरीदेगा या बेचेगा या बैंक राइट करेंसी खरीदेगा या बेचेगा, कुछ नहीं सर, सब गलत है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, केवल बैंक लेफ्ट करेंसी को खरीदेगा या बेचेगा, बस। खरीदेगा तो साहब बिड रेट लगा दो, बेचेगा तो ये रेट लगा दो, बाकी सब बेकार की बातें हैं सर। इवन डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट भी नॉलेज के लिए है, वो किसी काम का नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है सर, एप्लीकेबल रेट तो हमारा जी आ गया, एप्लीकेबल रेट तो आ गया। सर अब हमारे इस क्वेश्चन में 1,20,000 यूरो इन्वॉल्व है, यूरो इन्वॉल्व है जिसे मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब दिमाग परेशानी महसूस करता है, मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। दोबारा मैंने क्या रूल बताया था सर, अब मुझे बताइए, आपको 1,20,000 यूरो को डॉलर में बदलना है ना, आपकी जो करेंसी है वो 1,20,000 के आगे यूरो है ना, और आप यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो क्या होगा सर, क्या होगा जल्दी से बताइए, डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 0.8, 1,50,000 डॉलर फर्म को मिलेंगे। इन दिस ट्रांजेक्शन फर्म विल रिसीव 1,20,000 डिवाइड बाय 0.8, 1,50,000 डॉलर। किसी को डाउट है, ध्यान रखना इस चीज का कि बेसिक्स चल रहे हैं सर, बेसिक्स में अगर कोई भी डाउट छूट गया तो सर आपका फिर आगे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, आगे कुछ नहीं हो सकता सर, बेसिक क्लियर होने चाहिए। टॉपिक में तो कुछ नहीं है फॉर इसके, आपके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम होती है, बताइए सर, एनी प्रॉब्लम, नहीं है सर। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर टू, आए साहब देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर टू को देखते हैं, ट्रांजेक्शन वन तो अब खत्म हो चुकी, ठीक है, हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन टू की।
पेस इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 270 yen फॉर इट्स बोरोइंग फ्रॉम जैपनीज बैंक। कहता है साहब कस्टमर ने क्या किया था, कस्टमर ने जैपनीज बैंक से लोन लिया था और उन्हें येन पे करने हैं, येन पे करने हैं। अब हमारी दुनिया में क्या चलता है साहब, यूएसडी, हमारे पास येन तो है नहीं, तो हम बैंक के पास गए। मैंने कहा बैंक बैंक कृपया करके हमें येन दे दो और हमसे डॉलर ले लो। ठीक है सर, मैंने अभी तक रेट चेक नहीं किया, रेट में लेफ्ट में क्या है, मैं तो ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। बैंक येन बेचेगा और डॉलर खरीदेगा। ठीक है सर, अब देखते हैं लेफ्ट में क्या है हमारे। सर लेफ्ट में हमारे जो हमें रेट गिवन है वो गिवन है $1 में येन 135, 136। सर मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं कि ये लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में डॉलर। अब बस मुझे केवल और केवल ये बता दो कि इस ट्रांजैक्शन में बैंक डॉलर खरीद रहा है या डॉलर बेच रहा है। साहब कस्टमर को येन पे करने थे, कस्टमर येन लेने गया बैंक के पास, क्योंकि कस्टमर की दुनिया में चलता है यूएसडी। ठीक है, तो कस्टमर ने यूएसडी बैंक को दे दिए। अब मुझे सिंपल बताइए बैंक इस ट्रांजैक्शन में डॉलर खरीद रहा है तो खरीदने वाला रेट लगेगा, बेच रहा है तो बेचने वाला रेट लगेगा। ठीक है ना सर, इस ट्रांजैक्शन में तो बैंक डॉलर खरीद रहा है, सो द एप्लीकेबल रेट इज, बैंक क्या कर रहा है सर, खरीद रहा है। ठीक है, बैंक इज बाइंग डॉलर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, तो द एप्लीकेबल रेट इज क्या होगा सर, $1 में कितने येन, येन 135, ये एप्लीकेबल रेट हो गया। अब अगला स्टेप सर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। सर सिंपल सी बात है, मुझे बताइए येन को डॉलर में कन्वर्ट करना है। हाँ सर, हमारे क्वेश्चन में 2,70,000 येन है, येन, और हमें येन को डॉलर में कन्वर्ट करना है सर, डिवाइड होगा। सर वैसे भी समझ सकते हैं आप इन जनरल भी कि अगर $1 में ज्यादा येन है तो 2,70,000 येन में कम डॉलर होंगे, लेकिन एग्जाम में आप इतना सोच नहीं पाएंगे, मैंने जस्ट इसलिए रूल बना दिया। ठीक है ना। ठीक है सर, येन को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में यानी कि राइट को कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, सर हमारा यहाँ पे तो डिवाइड होगा, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 135 यानी फर्म को $2,000 डॉलर देने पड़ेंगे, $2,000 देने पड़ेंगे, तब जाके उसे 2,70,000 येन बैंक देगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है। आइए ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। अब थोड़ा सा मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी, जल्दी से देखिएगा, अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट आपको हिट होना चाहिए। कहता है फर्म ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए सिंगापुर से, कितने के, सिंगापुर डॉलर 4 लाख रुपए के, यानी जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने $4 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए। ठीक है, और ये हमारा रेट है। अब मुझे बस केवल जल्दी से मन ही मन सोच के बता दीजिए, मैं अब कोई डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए धीरे धीरे। अब मुझे बताइए इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में बैंक लेफ्ट करेंसी यानी कि डॉलर बेच रहा है या खरीद रहा है, जल्दी से बताएं, सब बच्चों को आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। बैंक डॉलर खरीदेगा या बेचेगा सर, जल्दी से बताइए, बैंक डॉलर खरीदेगा या बैंक डॉलर बेचेगा। इस ट्रांजैक्शन में आइए सर एक बार देख लेते हैं, जल्दबाजी ना करें, आइए देखें क्या होगा।
कस्टमर ने गुड्स इंपोर्ट किए तो कस्टमर को सिंगापुर डॉलर पे करने हैं, पे करने होंगे, ठीक है, कस्टमर को सिंगापुर डॉलर पे करने होंगे, राइट। यानी कि हमारी दुनिया में तो क्या चलता है, यूएसडी, तो हम सिंगापुर डॉलर किससे लेंगे, बैंक से। यानी बैंक हमें सिंगापुर डॉलर देगा जिसके बदले में हम बैंक को डॉलर देंगे। अब जिन्होंने गलत आंसर किया था, अब मुझे फाइनली बताइए, बैंक लेफ्ट करेंसी डॉलर खरीद रहा है या बेच रहा है? बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है या बेच रहा है? सर सुबह सुबह लेफ्ट राइट करवा दिया आपने जी। जो बच्चे बोल रहे थे कि बेच रहा है, क्या उनको बात समझ में आ गई? जो स्टूडेंट कह रहे थे कि बेच रहा है, तो जल्दबाजी मत कीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। बैंक ने इंपोर्ट किया ना यार, देखो सिंपल सी बात है, मनी मन ट्रांजेक्शन लेके आओ ना, बैंक ने इंपोर्ट किया, बैंक क्या करेगा, बैंक को सामने वाले को क्या देने हैं, सिंगापुर डॉलर देने हैं, ठीक है। अब बैंक के पास, कस्टमर के पास तो है नहीं सिंगापुर डॉलर, तो वो क्या करेगा, वो बैंक से खरीदेगा सिंगापुर डॉलर। अब बैंक क्या करेगा, बैंक सिंगापुर डॉलर बेचेगा और कस्टमर से डॉलर लेगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी क्या है, डॉलर। हमें क्या चेक करना है, बैंक डॉलर बेच रहा है या बैंक डॉलर खरीद रहा है। हमारी इस ट्रांजेक्शन में बैंक डॉलर क्या कर रहा है सर, परचेस कर रहा है। अगर परचेस कर रहा है तो एप्लीकेबल रेट क्या होगा, 1 डॉलर इज इक्वल टू सिंगापुर डॉलर 1.60। अब मुझे जल्दी से बताइए, 4 लाख सिंगापुर डॉलर में कितने डॉलर, देखिए ना डिवाइड होगा, क्योंकि राइट करेंसी को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि 4 लाख सिंगापुर डॉलर है ना मेरे पास, सिंगापुर डॉलर है ना जिसे मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा सर, डिवाइड होगा। इसका मतलब हमारी इस ट्रांजेक्शन में दिस वन कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, 2.5 लाख, 2.5 लाख डॉलर। यानी कि कस्टमर बैंक को 2.5 लाख डॉलर देगा, तब जाके उसे 4 लाख सिंगापुर डॉलर मिलेंगे और वो अपने जिससे उसने इंपोर्ट किया है उनको दे पाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पर आइए। कह कैलकुलेट हाउ मैनी यूएस डॉलर ए न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म, अच्छा ये फर्म भी न्यूयॉर्क बेस्ड है, क्या बात है जी सर। ये है हमारे बैंक, बैंक ठीक है, अब हमने तीन ट्रांजैक्शन की, क्या क्या, पहली फर्म रिसीव डिविडेंड अमाउंटिंग टू यूरो 120। कहता है फर्म को, यानी कस्टमर, ये हमारे कस्टमर जी हैं, इनको कहीं से 1,20,000 यूरो आने हैं, ठीक है, और हमारी दुनिया में चलता है यूएसडी, तो ये क्या करेंगे यूरो का, ये यूरो उठाकर बैंक को दे देंगे और बैंक इनके बदले क्या दे देगा इसको, डॉलर, ठीक है। ये घटना घट रही है, राइट, ये घटना घट रही है। अब हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है यूरो और डॉलर में। सर ये रिलेशनशिप गिवन है, ये वाला, दिस वन, 1 यूरो इज इक्वल टू $1.20 और 1.21। सर हमारी दुनिया में क्या चलता है, भूल जाओ, मुझे बताओ लेफ्ट में कौन सी करेंसी है, यूरो। अब मुझे केवल आपको ये बताना है, बैंक यूरो खरीद रहा है या बैंक यूरो बेच रहा है, बस, बाकी सारी बेकार की हैं। बैंक यूरो बेच रहा है
या बैंक यूरो खरीद रहा है? जल्दी से बताओ। कनिका, कनिका रुक जाओ जरा, एक मिनट बेटा, एक मिनट कनिका, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। कनिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मॉर्निंग कनिका। कनिका जो मुझे एक बात बताओ यार, ये कस्टमर है ठीक है ना, कस्टमर बैंक को यूरो बेच रहा है ठीक है। हाँ ऐसे ना किया करो, देखो दिल टूट जाता है मेरा। हाँ अब देखो ना, बैंक क्या कर रहा है, बैंक यूरो परचेज कर रहा है। हाँ और आपने क्या लिख के भेज दिया, सेल कर रहा है ठीक है ना। तो अब ये विंडो सेवन कौन है भाई, बैंक सेल कर रहा है यूरो। अरे विंडो सेवन, अरे भाई विंडो सेवन से ही बात करनी पड़ेगी, दो मिनट जरा, ये क्यों गलती गलती करते रहते हैं। हाँ अच्छा आपसे आपसे अच्छा समझ में आ गया ठीक है। अरे दोस्त इतना तो समझना पड़ेगा ठीक है ना। देखो यार अपनी ना जो सपनों की दुनिया है उसे बाहर आना पड़ेगा दोस्त, बात समझो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन से। हाँ मुझे ये बताइए, सिंपल सी मैंने ट्रांजेक्शन लिख दी यार, बैंक यूरो बाय कर रहा है यार, सिंपल सी बात है। देखो ना दोस्त, मेरे पास कहीं से यूरो आने हैं, मेरे पास कहीं से यूरो आने हैं ठीक है ना। अब अगर कहीं से यूरो आने हैं तो मेरी दुनिया में क्या चलता है यार, मेरी दुनिया में यूएसडी चलता है, मैं बैंक को यूरो दे दूंगा। लेफ्ट में क्या है बस ये देखना है आपको, बैंक जो लेफ्ट में है वो खरीद रहा है बेच रहा है, बैंक यहाँ पे यूरो खरीद रहा है, खरीद रहा है तो कौन सा रेट लगेगा जल्दी से बताओ, रेट बता दो जल्दी से सब बच्चे, मुझे जल्दी से बताओ कौन सा एप्लीकेबल रेट होगा। वेरी गुड, रेट होगा 1.2, बहुत बढ़िया। अब मुझे जल्दी से बताइए सब बच्चे कि मुझे लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। सर सर हमारे क्वेश्चन में 1,20,000 यूरो है जिसे हमें कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो यूरो को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो सर यहां पर होगा मल्टीप्लाई, यहां पर क्या होगा दोस्त, मल्टीप्लाई होगा ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, और वैसे भी हम समझ सकते हैं सर, हम इंटेलिजेंट हैं, हम समझ सकते हैं कि अगर 1 यूरो में ज्यादा डॉलर है तो 1,20,000 यूरो में उससे ज्यादा डॉलर होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। सर आप समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी समझ सकते तो सिंबल जरूर लगाइए, मेरे क्वेश्चन में 1,20,000 यूरो, यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमेशा ही मल्टीप्लाई होगा, बात खत्म ठीक है सर। आइए पॉइंट नंबर 2, जल्दी से आ जाइए, और सबका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए, हाँ नहीं तो सुबह सुबह दिल टूट जाएगा मेरा। ट्रांजेक्शन को पढ़िए जल्दी से। फर्म पेज इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 3 लाख येन फॉर इट्स बोरोइंग फ्रॉम ए जैपनीज बैंक। फर्म पेज इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 3 लाख येन फॉर इट्स बोरोइंग फ्रॉम ए जैपनीज बैंक। कहता है साहब जो हमारे कस्टमर हैं न्यूयॉर्क में रहते हैं, जिनकी दुनिया में यूएसडी चलती है, उनको येन पे करने हैं किसी को, तो इनके पास तो येन है नहीं, ऑफ कोर्स ये किससे परचेज करेंगे, फॉरेक्स डीलर यानी कि बैंक से ये येन बाय करेंगे, और इसके बदले में बैंक को क्या दे देंगे, जो इनकी दुनिया में चलते हैं डॉलर वो दे देंगे ठीक है। ये तो है ट्रांजेक्शन, अब मुझे बताइए लेफ्ट में क्या है साहब, येन और डॉलर के बीच में। सर लेफ्ट में 0.89 और 0.90 डॉलर लेफ्ट में है येन, तो मुझे बस केवल इतना बता दीजिए, बैंक येन खरीद रहा है या येन बेच रहा है, क्योंकि अगर बैंक येन खरीदेगा तो ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर येन बेचेगा तो ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेफ्ट में है येन। यार सिंपल सी बात है, हम क्यों कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, बिल्कुल सिंपल का कॉन्सेप्ट है दोस्त,
ये रेट दे रहा है बैंक, बैंक बस ये देख लो कि ये वाली करेंसी खरीद रहा है या बेच रहा है, बस खरीद रहा है तो ये रेट है, बेच रहा है तो ये रेट है। अब मुझे बताइए बैंक क्या कर रहा है, बैंक येन सेल कर रहा है, बिल्कुल ठीक। सब बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो एप्लीकेबल रेट क्या होगा दोस्त, एप्लीकेबल रेट होगा दिस वन, राइट। ये एप्लीकेबल रेट हो गया। अब मुझे जल्दी से बताइए मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड, क्या होगा? सर सर हमारे क्वेश्चन में येन है और हमें उसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख इंटू इंटू, अब ये सर 100 येन में है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 0.90 डिवाइड बाय 100, बस मल्टीप्लाई हो गया। कितना आ रहा है सर ये, $2,700। बात समझ में आ गई? हाँ। अब मैं हाँ जिसका आंसर अब गलत आएगा ना मैं उसको अनम्यूट करूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा सर, येन को डॉलर में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ठीक है सर। पॉइंट नंबर थर्ड, फर्म एक्सपोर्ट गुड टू यूके। अब देखो ना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना सीखो। फर्म ने गुड्स एक्सपोर्ट किए, फर्म के पास क्या आएगा, फर्म के पास क्या आएगा, पाउंड आएंगे, फर्म के पास पाउंड आएंगे और वो बैंक को वो पाउंड दे देगी, यानी बैंक पाउंड, लेफ्ट में देखो क्या है, पाउंड है। रेट में हमारे लेफ्ट में क्या है, थर्ड वाले उसमें, थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है सर लेफ्ट में, बताइए लेफ्ट में क्या है, थर्ड में पाउंड। अब मुझे बस ये बता दो इस ट्रांजेक्शन में बैंक पाउंड खरीदेगा या बेचेगा, बस। कस्टमर यहां पे है एक्सपोर्टर, वेरी गुड बेटे, एक्टिव रहा करो, सब बच्चे ना आंसर दिया करो, बहुत जरूरी है आंसर देना। अगर आप आंसर नहीं करेंगे ना तो ऐसे लगेगा क्लास में एक्टिव ही नहीं है हम। जितना एक्टिव रहोगे, जितने आंसर दोगे ना, उतना उल्टा हाथ पैर भी चलते रहेंगे, जरूरी है सर हाथ पैर चलना, ठीक है ना? बैंक विल बाय पाउंड, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। बैंक सर पाउंड बाय करेगा जी, बैंक पाउंड पाउंड बाय करेगा तो साहब रेट क्या एप्लीकेबल होगा सर, फर्स्ट वाला रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए मेरे क्वेश्चन में 3 लाख पाउंड हैं जिन्हें मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो बताइए क्या होगा सर। सर यहां पर तो मल्टीप्लाई होगा, खत्म सर बात, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा सर। अभिनव भाई 3,60,000 कैसे आ गया दोस्त, 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करना है अभिनव भाई, जी ओके। अच्छा वो गलती से यूरो पकड़ लिया था, ठीक है जी। आइए साहब नेक्स्ट, बिड आस्क स्प्रेड। देखिए होता क्या है ना कि ये टॉपिक किसी काम का वैसे नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये नॉलेज के लिए है। तो सिंपल सी बात इसमें समझनी है आपको, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, देखिए द बिड आस्क स्प्रेड इज अ सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच डीलर विल बाय एंड सेल ए करेंसी। सिंपल सी बात है, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाव, एक तरीके का फैलना, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, एक चीज का फैलना। तो बिड आस्क स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि बिड और आस्क में कितना मार्जिन है। जैसे मान लो बैंक है सर, बैंक मान लीजिए ये रेट कोट करता है ₹70 और 71, इसका मतलब क्या है, बैंक डॉलर बाय करेगा 70 में और बेचेगा 71 में, तो बताओ बैंक का मार्जिन कितना हुआ एक तरह से, यानी कि बिड आस्क स्प्रेड कितना हुआ सर, 71 माइनस 70 डिवाइड बाय 71 इंटू 100,
सर आपने नीचे आस्क रेट क्यों लिया? बेटे नॉर्मली जो जीपी रेशो है वो हमेशा सेल प्राइस पे निकाली जाती है, तो यहाँ भी हमारा पॉइंट क्या है कि आप इसे सेल प्राइस पे ले लीजिए। हालांकि कोई बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बिड पर निकालूंगा तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। पहली बात है ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि बैंक 1 रुपया कमा रहा है और वो 71 में बेच रहा है, तो 71 पे निकाल लो प्रॉफिट चाहे 70 में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक है सर। तो इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप सिंपल सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए बस। बिड आस्क स्प्रेड रेट इज इक्वल टू आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस डिवाइड बाय आस्क प्राइस, और परसेंटेज में निकालना हो तो इनटू में 100। जल्दी से नोट कर लीजिए, बिड आस्क स्प्रेड ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, राइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, कहता है इन सभी में आपको बिड आस्क स्प्रेड निकालना है, मैं कोई भी एक निकाल देता हूँ। चलिए मैं सेकंड वाला निकाल देता हूँ। तो अगर बिड आस्क स्प्रेड मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 0.022 माइनस 0.020 डिवाइड बाई 0.022 इंटू में 100, तो ये हो गया मेरा बिड आस्क स्प्रेड। कितना अंतर है बिड और आस्क में, ठीक है। बाकी ये आपको होमवर्क होगा, आप करते रहेंगे। नेक्स्ट इज, कुछ बच्चे वेट कर रहे थे सर ये डायरेक्ट कोट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट ये क्या बला है। सर कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। बैंक जो होता है, बैंक या फॉरेक्स डीलर, वो दो तरह के कोट देता है, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, ठीक है सर। दो तरह के कोट देता है, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। किसे हम बोल देते हैं डायरेक्ट कोट, किसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट कोट? सर जहां पर वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मैनी होम करेंसी, मतलब अगर फॉरेन करेंसी लेफ्ट में है तो वो डायरेक्ट कोट है, और अगर लेफ्ट में कौन सी है, वन होम करेंसी इज इक्वल टू हाउ मैनी फॉरेन करेंसी, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोट। सिंपल सी बात है सर, डायरेक्ट कोट क्या है, लेफ्ट में फॉरेन करेंसी है और इनडायरेक्ट कोट में लेफ्ट में होम करेंसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। लेफ्ट में कोई भी हो, हमें क्या मतलब है सर उस चीज से, हमें कोई लेना देना नहीं है कि लेफ्ट में कौन है, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है, जो भी लेफ्ट में होगा हम तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हमेशा कि जो भी लेफ्ट में है, चाहे वो होम करेंसी चाहे वो फॉरेन करेंसी, जो भी लेफ्ट में है, बैंक लेफ्ट करेंसी खरीद रहा है या लेफ्ट करेंसी बेच रहा है, वो हमारा एक रेट अप्लाई करने का तरीका होगा। इज इट क्लियर? वन फॉरेन करेंसी, वन एफसी मतलब फॉरेन करेंसी दोस्त, वन फॉरेन करेंसी, आईएफसी नहीं है ये, वन फॉरेन करेंसी मतलब डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कोट का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, देयर इज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ होम करेंसी, और इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा साहब, देयर इज वन यूनिट ऑफ होम करेंसी एंड कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, सिंपल। राघव भाई आवाज नहीं आ रही आपको मेरी, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आवाज तो आ रही है, हाँ ओके। देयर इज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट होगी और उसके अगेंस्ट क्या होंगी, होम करेंसी की यूनिट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट, और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायरेक्ट कोट, देयर इज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ होम करेंसी। एग्जाम्पल क्या है, $1 में 60 रुपए, 1 पाउंड में 90 रुपए। इनडायरेक्ट कोट क्या है, वन यूनिट ऑफ होम करेंसी, और रुपीज वन इज इक्वल टू $0.02, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो यहाँ पे लिख साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो,
₹70 और इसका क्या हुआ, ₹1 इज इक्वल टू $0.015, राइट। जल्दी से मुझे बताएंगे आप इसमें कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। पहला रेट, फर्स्ट रेट, $1 में ₹50। जल्दी से बताइए कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। जल्दी से सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए 2 मिनट में। वेरी गुड वेरी गुड। रुक जाओ, ये कौन है, डिगंट कौन है भाई, ये इनडायरेक्ट कोट, सहज भी इनडायरेक्ट कोट। भाई दो बच्चे इनडायरेक्ट कोट कैसे बोल रहे हैं, गलत बात। लेफ्ट में क्या है, फॉरेन करेंसी, लेफ्ट में क्या है, फॉरेन करेंसी। सर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की होम करेंसी कौन सी होती है, हमारी होम करेंसी कौन सी है, रुपीस। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन करेंसी कौन सी होगी, डॉलर। डॉलर लेफ्ट में है ना भाई, डॉलर लेफ्ट में है, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको कि कौन सा कोड डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये वैसे यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कौन सा होता, इनडायरेक्ट। चलिए दूसरा कोड बताइए, ₹1 इज इक्वल टू $0.022, इनडायरेक्ट। वेरी गुड, थर्ड भी इनडायरेक्ट, ठीक है। बात समझ में आती है, हाँ सर आती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, कन्वर्ट डायरेक्ट कोट इनटू इनडायरेक्ट कोट। सर एक बात बताओ, डॉलर लेफ्ट में है, ₹50, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसमें एक काम आएगा। $1 में है ₹50, ये कौन सा कोट है सर, दिस इज डायरेक्ट कोट, राइट। क्योंकि लेफ्ट में क्या है, फॉरेन करेंसी। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। $1 में कितने हैं, ₹50, दिस इज डायरेक्ट कोट, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, फॉरेन करेंसी, राइट। कहता है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, तो मुझे इसका मतलब रुपीस को इधर लाना होगा, ₹1 इज इक्वल टू कितने डॉलर, 1/50, 1/50, ये तो आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। ₹1 में साहब $0.02 होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे बात समझ में ये वाली ना आ रही हो जी, जल्दी से बताइए। सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, बेसिक नहीं आए तो आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और बेसिक आ गया तो कोई समस्या नहीं है सच फॉरेक्स में। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट है हमारा, 1 पाउंड में हमारे ₹80 हैं, तो मुझे बताइए ₹1 में कितने पाउंड होंगे। सर सिंपल सी बात है, 1/80 जो भी आएगा ये सॉल्व करके, इज दैट क्लियर। अब मेन क्वेश्चन आएगा, अब जिसके लिए मैंने ये उठाया था, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा सीधा थर्ड पॉइंट की, इसकी बड़े ध्यान से देखिएगा सर। ये है कस्टमर, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। सर $1 में ₹40 और 41, ये कौन सा कोट है सर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज डायरेक्ट कोट, राइट, ठीक है। अब मैं इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सर आप एक तो ना माइंड सेट करो कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल सी बात समझो, इसको इन जनरल समझो, ये नहीं कि आप रटने बैठ जाओ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो 1/1 में हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है।
तो सिंपल सी बात समझो अभी आप, 1/41 और 1/40 डॉलर। बस सर यही समझ में नहीं आता कि ये इधर क्यों चला जाता है, वो उधर क्यों चला जाता है। सर उसको ध्यान से देखिए, हम ना रटने की कोशिश करते हैं इसलिए बात समझ में नहीं आती। ये इधर उधर नहीं जा रहा, ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर जा रहा है, लेकिन बात बड़ी जनरल सी है सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये ट्रांजैक्शन क्या बताती है कि बैंक, मैं पहले एक रेट पकड़ लेता हूं, एक रेट $1.40 में बेचेगा, ठीक है। अगर मैं एक की बात करूं सिर्फ पहले वाले की, तो मैं बैंक $1.40 में खरीदेगा, ठीक है। हाँ भारत भाई, वो मानता हूं आस्क रेट इज मोर देन बिड रेट, वो मानता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आस्क और बिड रेट में ये ज्यादा होता है तो इसलिए आप ऐसा कर डालो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ध्यान से देखिए। सर बैंक $1 कितने में खरीदेगा, 40 में, यानी कि अगर कस्टमर, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, अगर कस्टमर डॉलर को बैंक को बेचेगा, यानी बैंक अगर डॉलर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा सर, 40 में, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि बैंक डॉलर खरीद रहा है तो उसी रेट पर रुपए बेच भी तो रहा है, ये बात बात सुनिए ध्यान से। बैंक ₹40 के हिसाब से डॉलर खरीद रहा है, डॉलर खरीद रहा है, ठीक है। तो जब एक करेंसी बैंक खरीदता है तो दूसरी बेचता भी तो है कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रेट पर। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बैंक डॉलर खरीद रहा है और रुपए बेच रहा है, तो आप सिंपल भाषा में लिखिए बैंक इस रेट पर डॉलर खरीद रहा है, बैंक इस रेट पर डॉलर खरीद रहा है और इस रेट पर डॉलर खरीद रहा है और रुपीस बेच रहा है, क्योंकि वो कस्टमर से डॉलर खरीद कर उसे रुपए दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो डॉलर को खरीदने का रेट है दोस्त, वही तो रुपीस को बेचने का रेट है। तो अल्टीमेट इस ट्रांजैक्शन पे बैंक करेगा क्या, इस ट्रांजैक्शन में बैंक कर क्या रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैंक डॉलर खरीद रहा है, भाई यही तो मतलब हुआ। लेकिन साथ साथ तो दूसरी तरफ देखो तो रुपए बेच भी तो रहा है, तो रुपए को बेचने का रेट और डॉलर को खरीदने का रेट तो एक ही हो गया ना, आया ना। और अगर मैं बात करता हूं दूसरे रेट की, दूसरे रेट की यानी $1 = ₹41, इस रेट पर बैंक का क्या कर रहा है, इस रेट पर बैंक डॉलर बेचेगा ना सर। रेट पे देखो क्या करेगा बैंक, इस रेट पर बैंक डॉलर बेचेगा, यानी डॉलर बेचेगा कस्टमर को और रुपए क्या करेगा, खरीदेगा, हाँ या ना। तो डॉलर को बेचने का रेट और रुपए को खरीदने का रेट तो सर सेम ही होगा ना, इसलिए जब लेफ्ट में रुपीज आ जाएगा तो जो बेचने वाला रेट है वो खरीदने वाला हो जाएगा ना साहब, बोलिए। बैंक रेट पर डॉलर बेच रहा है, यानी कि रुपए खरीद रहा है
तो दोनों का रेट क्या होगा? सेम ही तो होगा सर, ठीक है। और दूसरा मैथमेटिक्स लॉजिक, मैथमेटिक्स सर क्या लॉजिक है मैथमेटिक्स? तो सिंपल सी बात है कि एक बात तो पक्की है कि हमेशा और हमेशा जो आस्क रेट है वो बिड रेट से हमेशा बड़ा होता है, और मैथमेटिकली अगर ये बिड रेट है तो ये छोटा होगा, और छोटा कब आएगा? जब 1/41 करोगे तभी तो छोटा आएगा। ये मैथमेटिकल रीजन है, ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये तो केवल मैथमेटिकल रीजन है, ठीक है ना, कि मैथमेटिकली, ठीक है, इज ए क्लियर। देखिए लॉजिकल रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन ये है सर, जिस रेट पर बैंक डॉलर बेच रहा है उसी रेट पर बैंक रुपए खरीद रहा होता है, और जिस रेट पर बैंक डॉलर खरीद रहा होता है उस रेट पर बैंक रुपए बेच रहा होता है, राइट? दिस इज द रियल लॉजिक। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर आपको कभी भी कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, तो हमें एक तो 1/ कर देना है और दूसरा क्या कर देना है साहब, क्रॉस कर देना है उसको। इज ए क्लियर? मतलब बिड आस्क हो जाएगा और आस्क बिड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। pound 1 इज इक्वल टू 82.83। जल्दी से 1 मिनट मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए। जल्दी से बताइए, कन्वर्ट कीजिए जल्दी से, क्या होगा सर? दैट्स ऑल। इज ए क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्रॉस रेट। क्रॉस रेट सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सिंपल सी बात समझेंगे। क्रॉस रेट सर, जब भी दो करेंसी के बीच में हमें सीधे तौर पर रेट गिवन ना हो तो हम क्रॉस रेट कॉन्सेप्ट लगाकर रेट कंप्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ सिंपल सिंपल बातें देख लीजिए। $1 में रुपीस 70 और 71 है, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रुपीस पर यूनिट ऑफ डॉलर, यानी रुपीस ऑब्लिक डॉलर इज इक्वल टू 70 और 71, ठीक है सर। एक तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, राइट? रुपीज ऑब्लिक डॉलर, कल को अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हो रुपीज ऑब्लिक डॉलर, तो इसका मतलब $1 में इतने रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। दूसरा, इसे मैथमेटिकली भी कैसे लिखा जा सकता है? मैथमेटिकल सेंस से रुपीज अपॉन डॉलर इज इक्वल टू 71, सॉरी 70 और 71, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो पीछे वाली करेंसी है ये ऊपर आएगी, क्योंकि सर डॉलर एक है ना, डॉलर एक है तो रुपीज अपॉन डॉलर, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, रुपीज अपॉन डॉलर। पहले तो लिखना सीख लो सर, लिखना रुपीज ऑब्लिक डॉलर का मतलब $1 इज इक्वल टू इतने रुपीज, या रुपीज अपॉन डॉलर,
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब जो क्रॉस रेट है सर, व्हाट इज क्रॉस रेट? क्रॉस रेट इज नथिंग। सिंपल सी बात को समझो, मुझे अगर कंप्यूट करना है ए अपॉन सी, तो मैं क्या करूंगा, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, राइट? ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, ताकि बी से बी कट जाए और बचे क्या, ए अपॉन सी। क्योंकि मैथमेटिकली मैंने आपको लिखना सिखा दिया, रुपीज अपॉन डॉलर, यानी जो राइट में करेंसी होगी वो ऊपर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी, जो लेफ्ट में होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मैथमेटिकली। ठीक है सर, तो बस खत्म सर क्रॉस रेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम बेकार में ही परेशान रहते हैं क्रॉस रेट के अंदर। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन करूंगा क्रॉस रेट का, किस तरीके से आप उसे हैंडल करेंगे। पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। उसने पूछा क्या आपसे, कहता है आपको एक्सचेंज रेट गिवन है 1 पाउंड में इतने डॉलर। बिल्कुल ध्यान से, किसी को भी जरा भी कंफ्यूजन हो तो यहां मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? ये हमें गिवन है सर, यानी मैथमेटिक्स सेंस से कहूं तो हमें डॉलर अपॉन पाउंड गिवन है, राइट? बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा हमें क्या गिवन है? डॉलर अपॉन FF, ये गिवन है। ठीक है जी, हमें ये दो चीजें गिवन है। हमें कंप्यूट क्या करना है सर? हमें कंप्यूट करना है डॉलर और पाउंड के बीच में क्या एक्सचेंज रेट है, नहीं सॉरी, हमें कंप्यूट करना है FF और पाउंड के बीच में क्या क्रॉस रेट है। ठीक है, अब मुझे देखिए, इधर देखिए, डॉलर इज टू पाउंड को इन्होंने क्या लिखा, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने डॉलर, मतलब डॉलर इज टू पाउंड को, ठीक है, डॉलर रेशो पाउंड को क्या लिखा, 1 पाउंड में इतने। एफ एम इज टू पाउंड को क्या लिखूं, यानी हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है 1 पाउंड में कितने एफ एफ, या मैं सिंपल भाषा में और कहूं तो एफ एफ अपॉन में पाउंड, ये हमें कंप्यूट करना है। ठीक है जी सर, यहां तक कोई डाउट, लिखने में कोई समस्या आएगी आ रही हो तो बता दीजिए। एनी डाउट, एनी डाउट, आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे सकता हूं। आप सिंपल सी बात समझिए सर, ये हमें गिवन है और ये हमें कंप्यूट करना है। अब सर बड़े ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इक्वेशन बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एफ एफ अपॉन पाउंड हमें कंप्यूट करना है, जो कंप्यूट करना है उसको रख दीजिए, इज इक्वल टू एफ एफ। सर पक्की बात है, ऊपर अगर एफ एफ है तो यहां भी ऊपर एफ एफ आएगा, ऑफकोर्स तभी तो इक्वेशन बनेगी सर, ठीक है ना, अपॉन में। अब मुझे बताइए एफ एफ का रिलेशनशिप किससे गिवन है? भाई मुझे एफ एफ अपॉन कुछ करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना एफ एफ का रिलेशनशिप किससे गिवन है। सर ये वाला रिलेशनशिप है डॉलर और पाउंड के बीच का, इसमें एफ एफ तो है नहीं। हाँ सर, ये है डॉलर और एफ एफ के बीच का रिलेशनशिप, तो मैंने क्या लिख दूंगा इधर, एफ एफ अपॉन डॉलर। भूल जाओ कौन सी करेंसी कॉमन है, भूल जाओ सारी बातें, एक बात तो पक्की है, यहां पर एफ एफ न्यूमरेटर में है तो स्टार्टिंग तो एफ एफ न्यूमरेटर से ही होगी, बाकी सब बातें बेकार हैं सर। स्टार्टिंग कहां से होगी, न्यूमरेटर में एफ एफ आएगा, बात खत्म। अब अगली सोच क्या होगी,
मत देखो कॉमन करेंसी क्या है, मुझे ये बता दो एफएफ का रिलेशनशिप किससे गिवन है। सर वो डॉलर के साथ गिवन है सर, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर डॉलर न्यूमरेटर में है। मैंने पूछा आपसे कहां पर है सर डॉलर, मैंने ये नहीं पूछा न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है। यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा, हमारे क्वेश्चन हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे एफ एफ न्यूमरेटर में है, तो यहां न्यूमरेटर में ही आएगा। और अगला मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने आपसे अगला ये पूछा कि एफ एफ का रिलेशनशिप किससे है। मैंने ये नहीं पूछा कि ये चेक करके बताओ कि एफ एफ ऊपर है डॉलर नीचे है। सर रिलेशनशिप डॉलर से, बात खत्म। अब मुझे बताइए क्या हम पाउंड तक पहुंच चुके हैं डिनोमिनेटर में। सर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे यहां पर, मुझे बताइए क्या हम पाउंड तक पहुंच चुके हैं डॉलर में, मतलब क्या हम डिनोमिनेटर में पाउंड तक पहुंच चुके हैं। नहीं, तो पक्की बात है ये डॉलर तो यहां से कटेगा ही कटेगा, और डॉलर काटना है तो वो ऊपर ही आएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना कि यहां पर रेट किस सेंस से गिवन है, कोई मतलब नहीं है, डॉलर ऊपर आएगा, बात खत्म, क्योंकि डॉलर से डॉलर काटना है। अब नेक्स्ट, डॉलर का रिलेशनशिप किससे है। सर डॉलर का रिलेशनशिप केवल पाउंड से ही है, और तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ बात खत्म, डॉलर अपॉन पाउंड। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, क्या पाउंड नीचे पहुंच गया जो हमें चाहिए था। हाँ सर पहुंच गया, बात खत्म। सर अब मनी मन क्या सोचोगे, डॉलर से डॉलर कट गया, एफ एफ वन पाउंड बच गया। क्या आपको ये बनाना आ गया, कोई समस्या। अगर किसी का डाउट है तो यस लिख के भेजो। डाउट है तो यस लिख के भेजो। ओके नहीं है सर, किसी का डाउट नहीं है। तो एफ एफ अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन पाउंड। अब हम देखेंगे भैया यहां पर क्या है, एफ एफ अपॉन डॉलर हमें चाहिए। अरे बाप रे, यहां तो डॉलर अपॉन एफ एफ है, यहां तो डॉलर अपॉन एफ एफ है भाई, क्या करें क्या करें मोहन प्यारे। सर हमें उल्टा चाहिए ना, एक तरह से दोस्त अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक तरह से मुझे, मतलब ध्यान देना इस बात की तरफ, हालांकि मुझे इतना डिटेलिंग में जाना नहीं चाहिए लेकिन मैं जा रहा हूं, देखिएगा जरा। एक तरह से मुझे डॉलर लेफ्ट में चाहिए, मतलब अगर मेरे पास ये वाला रेट होता तो मैं एफ एफ ऐसी तो करता, और फिर मैं यहां क्या लिखता, एफ एफ अमन डॉलर ऐसी तो करता। सर मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, आप इसे डायरेक्ट कह लो इनडायरेक्ट कह लो मुझे मतलब नहीं है उस चीज से, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सीधे आपको कि अगर मुझे लेफ्ट में डॉलर को करना होता ताकि डॉलर ताकि एफ एफ ऊपर आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करता, ऐसे तो करता, ठीक है, तो मैं वन अपॉन में करता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब अपना माइंड सेट कर लो कि अगर हमें ये, भूल जाइए ये करना नहीं है आपको, ये तो मैंने केवल दिखाया था आपको। यहां पे है एफ एफ अपॉन डॉलर और यहां पर है डॉलर अपॉन एफ एफ, तो ध्यान रखना ये वन अपॉन में लोगे आप, ठीक है, इनटू डॉलर अपॉन पाउंड। यहां पे क्या है, डॉलर अपॉन पाउंड, यहां वन अपॉन में लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां वन अपॉन में लेने का रीजन ये नहीं है सर, वन अपॉन में लेने का रीजन ये है कि अगर यहाँ पे है डॉलर अपॉन एफ एफ, अगर मुझे एफ एफ अपॉन डॉलर करना है तो सर मुझे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा ना डॉलर को, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली वन अपॉन हो गया। लॉजिकली समझिए उस चीज़ को, ठीक है ना। कितना आ गया सर ये, जल्दी से बताइए। मैंने कहा था कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए आप लोगों को, 11.35, ठीक है सर। अब एक इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉस रेट का। आप आइए क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं।
रुपीज ऑब्लिक यूएसडी, मतलब हमें क्या गिवन है सर, एक यूएसडी में कितने रुपए? और इसको मैथमेटिक्स सेंस से कैसे लिख दूं? लिख दूं सर? बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां पे बिड आस दोनों आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट रेट यूएसडी ऑब्लिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैं इसको ऐसे लिख दूं। मेरे साथ साथ आप बिल्कुल लिखते रहेंगे और बिल्कुल पेशेंस से चलेंगे। अगर आपको ये चीजें समझनी है तो जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। कितने यूएसडी है सर? ठीक है जी। थर्ड रेट जीबीपी ऑब्लिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक अच्छा ये हमारे हैं जीबीपी, यानी कि इसे मैथमेटिक्स सेंस से मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? कुछ भी नहीं सर, बहुत सिंपल है क्रॉस इट। जी सर, कहते हैं फाइंड द डायरेक्ट क्रॉस कोट ऑफ एफएफ इन इंडिया। कहते हैं डायरेक्ट कोट बताओ एफएफ का इंडिया में। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट में रखेंगे हम एफआरएफ और राइट में क्या रखेंगे हम रुपीस। यानी हमसे पूछा गया है ये सिंपल सी बात, राइट? इज ए क्लियर? अब मुझे बनानी है सर इक्वेशन, बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन से, और कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, और मेरे साथ साथ ही चलेंगे आप लोग। देखो यार सीधी सी बात है, मैथमेटिकली रुपीज अपॉन एफ आर एफ, अपने आप आपको रास्ता नजर आ जाएगा। ऊपर तो पक्की बात है रुपीज ही आएगा सर, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर रुपीस है तो ऊपर क्या आएगा? रुपीस, ठीक है। रुपीस डिवाइड बाय। अब मुझे बताइए रुपीस का रिलेशनशिप किसके साथ गिवन है? ढूंढ लीजिए सर, एक एक ढूंढ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर यहां पे एक तो रुपीस आ रहा है, ये रहा रुपीस, और तो हमें सर कहीं रुपीस नजर ही नहीं आ रहा। सर आपको नजर नहीं आएगा, आपको कॉमन वॉमन सब भूल जाओ। रुपीस का रिलेशनशिप किससे गिवन है? यूएसडी से। हाँ सर, तो बस अपॉन में यूएसडी। अब अगला थॉट आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्या हमारे डिनोमिनेटर में यूएसडी है? अगर नहीं है तो पक्की बात है साहब यूएसडी तो कटेगा ही, इनटू यूएसडी करना पड़ेगा, इनटू यूएसडी करना पड़ेगा, ठीक है सर।
अब मुझे बताइए, यूएसडी का रिलेशनशिप किसके साथ है? सर एक तो रुपीज के साथ है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और यूएसडी का रिलेशनशिप किसके साथ है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ। तो क्यों ना आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को पकड़ लिया जाए। ये लीजिए, अब मुझे ये बताइए कि क्या नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है? ना, वो भी नहीं है, तो साहब ये भी कटेगा। ये भी कटेगा, अब सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रिलेशनशिप किससे है? सर एक तो यूएसडी से था, वो तो ले लिया, अगला किससे है? जीबीपी से। कौन में जीबीपी? सर अब चेक करो क्या नीचे जीबीपी है? अरे सर नीचे तो जीबीपी भी नहीं है। ओहो नहीं है तो जीबीपी भी कटेगा, डिवाइड बाय डिवाइड बाय। जीबीबी का रिलेशनशिप किससे है? सर वो एफएफ से है। चेक करो क्या नीचे एफएफ है? यस। रुक जाइए सर, बस खत्म। ये हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है सर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? किसी को इक्वेशन बनानी ना आ रही हो प्लीज मुझे बता दीजिए। जी किसी को इक्वेशन ना आ रही हो बनानी तो बता दीजिए। नहीं सर, इक्वेशन बनानी तो आ गई। अब मुझे बताइए कि आपको बिड रेट निकालना है आस्क। सर पहले कोई भी निकाल लेते हैं बिड रेट या आस्क। चलो पहले बिड रेट निकाल लेते हैं। बिड, जब मैं बात करूंगा बिड रेट की तो मनी मन सोचो सारे ये बिड हैं। रुपीज अपॉन यूएसडी बिड, यूएसडी ऑड बिड, ऑड जी, अब ऑड अपॉन जीबी बिड, जीबी अपॉन एफआर बिड, पर सारे कौन से उठाने हैं? बिड। आइए पहले रेट की बात करते हैं ध्यान से। रुपीज अपॉन यूएसडी बताओ बिड। बिड निकाल रहा हूं मैं 70.04। देखो ना दोस्त, यहां भी रुपीज अपॉन यूएसडी है और यहां भी रुपीज अपॉन यूएसडी है, तो वन अपॉन को करने का तो मतलब ही नहीं है कोई, सीधा सीधा उठा लीजिए 70.04। ठीक है, रुपीज अपॉन यूएसडी, रुपीज अपॉन यूएसडी इंटू यूएसडी अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहां पे क्या है? अच्छा यहां भी सीधा सीधा है, क्या बात है, मजा आ गया सर। इनटू में ये भी सीधा सीधा बिड रेट उठा लीजिए, उठा लीजिए बिड रेट। इज दैट क्लियर? तीसरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन जीबीपी। ओ हो यहां पर है गड़बड़, हमारे पास क्या है यहां पर? जीबीपी अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और हमें चाहिए क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन जीबीपी। ठीक है सर, क्या करें? सर सीधी सी बात है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से इसको देखिए। मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन जीबीपी। फिलहाल मेरे राइट में जीबीपी है तब ये ऊपर आ गया, काश मेरे राइट में ऑड होता। एक तरह से मैं कन्वर्ट कर दूं इसको, कन्वर्ट कर दूं सर? जब मैं कन्वर्ट करूंगा दोस्त तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, हाँ या ना? मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये रेट बिड बन जाएगा ये वाला, और वन अपॉन में हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अपना माइंड ही सेट कर लूं सीधा, क्यों ना मैं अपना माइंड सेट कर लूं कि अगर मुझे ऑड अपॉन जीबीबी सीधा सीधा मिल जाता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। नहीं मिला तो माइंड सेट करो कि हम निकाल रहे हैं बिड रेट, लेकिन आप कौन सा उठाओगे? आस्क रेट। ठीक है, लेकिन मनी मन सोचना, जब अनूप मोदी ये बोल रहा है कि आप आस्क रेट उठाइए तो गलत बोल रहा है। दरअसल उठा मैं भी बिड ही रहा हूं, क्योंकि
अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो जो आस्क है ये बिड में बदल जाएगा, क्योंकि देखो मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना सर, ऐसे यही तो हो जाएगा सर, वो यही तो बदल जाएगा। तो दरअसल आपको माइंड सेट करना है कि आस्क हो जाएगा बिड और वन अपॉन में हो जाएगा। जब मैं बोलता हूं कि जब यहां पर रिवर्स हो मैथमेटिकली, तो आप बिड की जगह आस्क उठा लो और वन अपॉन में उठा लो, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि उठाना बिड ही है, उठाना बिड ही है, आस्क नहीं उठाना। माइंड सेट करो, लॉजिकली माइंड सेट करो। जब मैंने ऊपर कन्वर्ट किया था डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट में, तो मैंने वन अपॉन कर दिया था ना, उठा तो मैं बिड ही रहा हूं। ये गलत फहमी है आपकी कि मैं आंसू उठा रहा हूं, क्योंकि तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ना, मैं बार बार इसको सीधा करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, उसमें मेहनत लगेगी मेरी, जो टाइम लगेगा, तो बस मैं अपना माइंड सेट कर लूंगा। अगर मुझे रिवर्स मिलेगा, अगर मुझे यहां पर पीपी अपॉन ऑड मिला और यहाँ पर ऑड वन जी, मैं क्या करूंगा? अगर बिड चाहिए तो मैं आस को पकड़ूंगा और वन अपॉन में कर दूंगा। ये माइंड सेट कर लो। इसमें कोई डाउट है किसी को? साहब बताइए जल्दी से, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। इनटू जीबीपी अपॉन एफआरएफ, ये तो सीधा सीधा है, बिड का बिड उठा लो। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। एक मेरे पास आंसर आया, पता नहीं वो ठीक है या गलत है, मुझे तो पता नहीं। अब मैं उठा लेता हूं फटाफट से आस्क रेट, यही सारे आस्क उठा लेता हूं। आइए जल्दी से, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 70.04 था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्क रेट उठाऊंगा तो क्या उठाऊंगा? 70.08 इंटू, यहां पे 0.69 था, तो यहां पे क्या उठाऊंगा? 0.70। अब तो फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर वन अपॉन में उठाया था, तो यहां पे वन अपॉन में बिड उठा लूंगा इनटू, और यहां पर सीधा सीधा आस्क उठा ही लूंगा। और जल्दी से बताइए ये कितना आ रहा है? 11.897। तो भाई एक एफ आर एफ में हमारे हो गए 1 रुपए। बताइए क्या है क्रॉस रेट में, क्या चाहते हो भाई? इतना आसान टॉपिक है, कोई ए अपॉन बी नहीं, कोई चक्कर नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। मैथमेटिकली इसको लिखना सीख जाओ और एक इक्वेशन बनाना सीख जाओ, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है सर आपको? चलिए, वेरी गुड। सर अब ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन तो करते रहिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 8, 10 ये करते रहिएगा। हाँ दोस्त, ब्रेक का टाइम हो गया है, आप ब्रेक ले लीजिए। आइए फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन 11 और करते हैं, क्रॉस रेट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी, जल्दी से देखते हैं इसको। थोड़ी सी स्पीड मेरी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी क्योंकि सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको क्रॉस रेट का। जल्दी से देखिए, फर्स्ट रेट हमारे पास जो है वो है $1 में रुपीस, दिस वन, ठीक है, यानी कि हमें गिवन है रुपीस अपॉन डॉलर। सेकंड रेट है 1 पाउंड में रुपीस,
यानी हमें गिवन है रुपीस अपॉन पाउंड, और नेक्स्ट है हमारा यूरो 46.25 और 47.57 यूरो रुपीस, सॉरी रुपीस। तो दिस वन इज रुपीस अपॉन यूरो, राइट। दो रेट पूछे हैं उसने, क्रॉस रेट निकालना है, एक पाउंड में कितने डॉलर। एक तो उसने ये पूछा है कि एक पाउंड में कितने डॉलर है, ठीक है। तो पहला रेट उसने क्या पूछा है, एक पाउंड में कितने डॉलर हैं, यानी उसने पूछा है आपसे डॉलर अपॉन पाउंड। तो अगर मुझे डॉलर अपॉन पाउंड निकालना है तो सर सिंपल सी बात है, ऊपर मुझे डॉलर लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर मुझे क्या लेना पड़ेगा, डॉलर। न्यूमरेटर में क्या आएगा सर, डॉलर। और मुझे बताइए डॉलर का रिलेशनशिप किससे है, डॉलर का रिलेशनशिप हमारा किससे है सर, रुपीस से। तो रुपीस इंटू क्या, नीचे रुपीस है, नहीं, इंटू रुपीस अपॉन। रुपीस का रिलेशनशिप किससे है, नेक्स्ट पाउंड से, तो पाउंड, ठीक है सर। और नीचे हमारा पाउंड है तो बात खत्म हो गई। तो जल्दी से बताइए डॉलर अपॉन रुपीस, यहां पर तो है रुपीस अपॉन डॉलर, तो क्या करें सर, अगर हम बिड रेट निकाल रहे हैं तो हम आस्क उठाएंगे पर वन अपॉन में कर देंगे, इंटू रुपीज़ अपॉन पाउंड, यहाँ भी रुपीज़ अपॉन पाउंड है तो कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया मेरा बिड रेट, जल्दी से बताइए बिड रेट कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे कितना आ रहा है सर मेरा बिड रेट, जल्दी से बताएं। सर मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, अभी लगता है बच्चे ब्रेक में ही चल रहे हैं सारे के सारे। जी वन पॉइंट सिक्स वन, ओके। और अगर मुझे आस्क निकालना हो तो दिस इज माई बिड रेट, आस्क निकालना हो तो क्या करूं सर, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है इसलिए 1/42 पॉइंट, और ये सीधा सीधा है, बताइए कितना आएगा। वन पॉइंट सिक्स फाइव एट, ठीक है। ये हमारा रेट निकल के आया 1.61 और 1.66 अराउंड, ठीक है सर। और सेकंड रेट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको निकालना है कि एक यूरो में कितने डॉलर हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको अगेन इक्वेशन बनानी होगी और कंप्यूट करना होगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है सर। ये आपका होमवर्क है, नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कब तक आप यूट्यूब पे डाल दोगे, बेटे मैं अराउंड लंच के आसपास तक यूट्यूब पे आ जाएगा आपका ये वीडियो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्रॉस रेट के हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालिए फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सर बैंक हमारे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लिख लीजिए एक्सचेंज रेट। दो तरह के एक्सचेंज रेट बैंक कोट करता है, वन इज स्पॉट रेट एंड वन इज फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट किस लिए होता है, स्पॉट रेट है हमारा फॉर स्पॉट डिलीवरी,
और विद इन 2 वर्किंग डेज, और T+2 फॉरवर्ड रेट किस लिए होता है? फॉरवर्ड रेट किस लिए होता है? बाय और सेल इन सम फ्यूचर रेट, फ्यूचर रेट। अभिनव जी का कहना है कितनी क्लास लगेंगी? अभिनव भाई 10 क्लास लगेंगी हमारी टोटल, नो सॉरी 9 क्लासेस लगेंगी, 9 क्लासेस लगेंगी आपकी टोटल, ठीक है। स्पॉट रेट देखिए होता क्या है, एक्सचेंज रेट हमारे दो तरह के होते हैं, वन इज स्पॉट रेट। सो स्पॉट रेट क्या होता है? ये होता है आपकी स्पॉट डिलीवरी के लिए, स्पॉट डिलीवरी के लिए, मतलब कि आप बैंक के पास अभी जाइए और डिलीवरी ले लीजिए, डॉलर भेज दीजिए, डॉलर खरीद लीजिए या कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ठीक है। किसके लिए होता है? स्पॉट डिलीवरी के लिए, स्पॉट रेट। इस रेट से आप विद इन 2 डेज डिलीवरी ले सकते हैं या बेच सकते हैं, मतलब विद इन 2 वर्किंग डेज वो रेट आपका वैलिड माना जाता है, राइट। फॉरवर्ड रेट किस लिए होता है? फॉरवर्ड रेट होता किस लिए है सर? जो फॉरवर्ड रेट है हमारा, फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि अगर आप करेंसी फ्यूचर में बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप बैंक को बोलते हैं कि सर आप हमें एक रेट कोड कर दीजिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की एक डेट का। सपोज कीजिए आज है हमारा 1 जनवरी, ठीक है ना, और आपके डॉलर कहीं से आने हैं 31 मार्च को, तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को क्या कहा कि बैंक जी आप हमें 31 मार्च का रेट आज कोड कर दीजिए। बैंक ने कहा ये कैसे भला? कहते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास 31 मार्च को डॉलर आएंगे तो मैं जो आज रेट सेट करूंगा आपके साथ, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जिस रेट पर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं 31 मार्च को उसी रेट पर आपको अपने डॉलर भेज दूंगा जो हमारे बीच में आज रेट तय होगा, ठीक है। अब इससे एक्सपोर्टर को क्या फायदा? सर एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा फायदा है पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति। सर वो बिल्कुल कूल हो गया, उसको पता है कि जो मेरे पास, जैसे मान लीजिए आज रेट है 70 रुपीज, ठीक है ना, आज रेट है 70 रुपीज, और उसको चिंता क्या हो रही है एक्सपोर्टर को कि कल को रेट 68 हो गया तो क्या होगा, 67 हो गया तो क्या होगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा। उसने क्या किया? उसने आज ही बैंक से जाकर एक रेट सेट कर लिया, ठीक है, बैंक के पास जाकर एक रेट सेट कर लिया और बैंक को क्या बोला, भाई बैंक जी 31 मार्च को जो मेरे पास डॉलर आएंगे मैं इस रेट पर, पर्टिकुलर रेट पर भेज दूंगा। यानी रेट कब तय होगा? आज। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? आज। देखिए दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है ध्यान दीजिए, इसमें रेट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? टुडे। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? आज। इसमें डिलीवरी कब हो रही है? स्पॉट। यहां डिलीवरी कब हो रही है सर? ये दोनों में डिफरेंस है मेन, यहां डिलीवरी क्या हो रही है? सम फ्यूचर डेट। डिलीवरी एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है सर, ये मेन डिफरेंस है इसमें। रेट आज ही तय होगा, रेट आज ही तय होगा, लेकिन किसका? फ्यूचर का रेट। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है सर,
फ्यूचर का रेट डिसाइड करने के लिए बहुत सारी थ्योरम है, IRPT, PP, वो मैं बाद में बात करूंगा इनकी। फिलहाल मैं बात क्या कर रहा हूँ आपसे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। अब ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट क्या बला है वो समझिए। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिए फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट लिखिए, प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू में 100, और अगर पूरे ईयर का निकालना है तो इंटू 12 बाय मंथ। जी, इज दैट क्लियर? प्रीमियम और डिस्काउंट, शिखा मैं समझा नहीं आपकी बात, राइट? प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इनटू 100। फॉर एग्जांपल, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए आज एक डॉलर का रेट चल रहा है मान लीजिए 70 रुपीज, ठीक है, ये है हमारा स्पॉट रेट। ये नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोटिंग कर लीजिए प्लीज। राइट सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको इस कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही एक पार्ट है ये। आज एक डॉलर में 70 रुपीज है, ये आज का रेट है, और बैंक ने आपको कहा कि एक डॉलर आज से 6 महीने बाद मान लीजिए 77 का हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। सर आज एक डॉलर 70 रुपए का है, 6 महीने बाद एक डॉलर 77 का हो जाएगा, मुझे बताइए डॉलर कितने प्रीमियम पर है? पहला इश्यू तो हमारे दिमाग में ये आता है कि डॉलर प्रीमियम पर है या रुपीस। यार एक बात बताओ, हम क्यों कंफ्यूज रहते हैं? सिंपल सी बात है, एक पेन आज 70 रुपए का है, और अगर एक पेन फ्यूचर में 6 महीने बाद हमें लगता है वो 77 का हो जाएगा, मुझे बताओ पेन महंगा हो गया या पेन सस्ता हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, आज एक पेन 70 रुपीज का है, ठीक है सर, 6 महीने बाद यही पेन हमें लगता है 77 का हो जाएगा, मतलब बैंक कहता है कि आज अगर आप 6 महीने बाद पेन खरीदोगे तो 77 में मिलेगा, बताइए दोस्त पेन महंगा होगा या सस्ता? पेन प्रीमियम पर है या पेन डिस्काउंट पर है? पेन प्रीमियम पर है या पेन डिस्काउंट पर है? जल्दी से बताएं। सर पेन हमारा प्रीमियम पर है, सर पेन प्रीमियम पर है। अच्छा कितने परसेंट प्रीमियम पर है, कितना महंगा हो गया, कितने परसेंट महंगा हो गया अगर मैं पूछूं तो? आप कहोगे सर 77 माइनस 70 डिवाइड बाय 70 इंटू में 100, तो 6 महीने में पेन 10% महंगा हो गया, और अगर आप 12 महीने में निकालना चाहते हो तो 20% महंगा हो गया, यही तो होगा सर।
हाँ ये ना 10% महंगा हो गया 6 महीने में, और अगर आप लगाना चाहते हो कि पूरे साल में कितना महंगा होगा तो कितने का होगा, 20%। बड़ी सिंपल सी बात है सर। सिमिलर मैनर में, बिल्कुल सिमिलर मैनर में, $1 आज 70 रुपीज का है, $1 77 का हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ प्रीमियम और डिस्काउंट, ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनना, प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, प्रीमियम और डिस्काउंट का फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू में 100 इंटू में 12 बाय मंथ, ये प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि साहब रुपीस प्रीमियम पर हैं या रुपीस डिस्काउंट पर हैं, तो मैं आंसर अभी नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल अभी तक की बात कर रहा हूं, मैं अभी तक आंसर नहीं कर पाऊंगा। प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी यानी कि डॉलर पर कितना होगा, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड करेंसी क्या है, डॉलर। तो प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, तो अगर मैं सिंपल में कहूँ तो प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन डॉलर इज इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड रेट 77, स्पॉट रेट 70 इंटू 100 इंटू 12 बाय मंथ, अगर पूरे ईयर का निकालना है तो दैट इज 20% प्रीमियम। तो हमारा डॉलर पूरे साल में 20% महंगा होगा, इज ए क्लियर, डॉलर महंगा होगा। तो प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना हो अगर लेफ्ट करेंसी पर, तो हमें कोई समस्या नहीं है सर, सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसका मैथमेटिक्स इफेक्ट देखिए जरा ध्यान से सर। $1 में 70 रुपये हैं और $1 में 77 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सर इसका मैथमेटिक्स इफेक्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं कंप्यूट प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन रुपीस, रुपीस पर प्रीमियम डिस्काउंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सर। सर हम एक काम करेंगे, हम रुपीस को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल ठीक बात है, एक बार तो कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। रुपीस को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/70 डॉलर, और ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर का रेट। आप ये साथ साथ नोटिंग करते रहिए, समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने रुपीस को लेफ्ट बना दिया, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी वाला कौन सा था सर, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 इंटू 12 बाय मंथ। कुछ भी नहीं सर, बहुत सिंपल है, फॉरवर्ड रेट इज 1/77 माइनस स्पॉट रेट इज 1/70 डिवाइड बाय 1/70 इंटू 100। एक बार 12 बाय मंथ को छोड़ दीजिए, पहले मैं 6 मंथ के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे सर, क्या आएगा, 70 माइनस 77 डिवाइड बाय 1/70, 70 से 70 तो कट गया, क्या आएगा -7/77, या मैं एक बार पहले सिंपल उसमें लिख देता हूँ कि क्या बचा, 70 -77/77 × 100, ठीक है सर, इज दैट क्लियर। तो अगर मुझे रुपीस पर डिस्काउंट या प्रीमियम निकालना है तो वो कितना आएगा, -7/77 या 1/11, जबकि अगर आप डॉलर पे निकाल रहे थे दोस्त तो आपका आया था एक तरह से 1/70
मतलब अगर मैं 12 by month को यहाँ से भी छोड़ दूँ 2 मिनट के लिए, तो 1/10, और यहाँ पे क्या आ रहा था, 1/11। सर उसका कारण क्या है? मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो डॉलर है वो तो कितने परसेंट प्रीमियम पर है, 10%, लेकिन रुपीज़ कितने डिस्काउंट पर है, 9.09% पर। तो ध्यान रखना, अगर एक करेंसी प्रीमियम पर है, फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, अगर एक करेंसी प्रीमियम पर है तो पक्की बात है दूसरी डिस्काउंट पर ही होगी। लेकिन 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 डिस्काउंट और प्रीमियम की परसेंटेज सेम नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस चेंज हो जाता है सर, आपका बेस चेंज हो जाता है। बेस चेंज क्यों हो जाता है सर, आप समझिए उस चीज़ को, क्योंकि जो हमारा स्पॉट रेट है, इसको समझिए आप, हमारा बेस रेट क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आ रहा था नीचे 70, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे 77। तो आपका बेस चेंज हो जाता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या प्रीमियम पे क्या डिस्काउंट पे है, सिर्फ बेस चेंज हो गया हमारा, इसलिए ये परसेंटेज अलग आती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये परसेंटेज आपकी अलग आती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रीमियम या डिस्काउंट आपको निकालना है इस पर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी पर, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट 200, और पूरे ईयर का चाहिए तो 12 by month। लेकिन अगर आपको राइट हैंड साइड पे निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला वास्तव में चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको केवल एहसास हो रहा होगा इस चीज का। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था, राइट हैंड साइड करेंसी पर निकालना था, राइट पर निकालना था ना सर प्रीमियम डिस्काउंट। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आप देखिए ना क्या बना मैथमेटिकली फॉर्मूला, 70 - 77। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकली इसको डिराइव करूं, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट इंटू में 100, ये केवल मैथमेटिक्स बना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब जिस करेंसी पर प्रीमियम या डिस्काउंट कंप्यूट करना है, अगर वो लेफ्ट में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और अगर वो राइट में है तो या तो उस करेंसी को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो फॉर्मूला ही चेंज कर दो। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, इफ वन करेंसी इज एट प्रीमियम, डेफिनेटली डेफिनेटली अनदर करेंसी विल बी एट डिस्काउंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, बट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम विल नॉट बी सेम। सर ये सेम नहीं होंगे, अगर आपने देखा ये आया था 9% और वो कितना आया था, 10%। यानी डॉलर को मैं अगर बोलूं तो डॉलर 10% प्रीमियम पर है, लेकिन अगर मैं रुपीस की बात करूं तो रुपीस 9.09 डिस्काउंट पर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सर? एनी डाउट, एनी डाउट? ओके okay.
अब सर क्या एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि आप प्रीमियम या डिस्काउंट निकालो, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। मतलब आपको प्रीमियम या डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रीमियम या डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग डालिए। अब ये सब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जहां हम कंफ्यूज होते हैं, हाउ टू कंप्यूट फॉरवर्ड रेट व्हेन प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज गिवन। सर सिंपल सी बात समझिए, एक पेन आज 70 रुपए का है, ठीक है? अगर मैं बोलूं प्रीमियम ऑन पेन 10%, 6 मंथ प्रीमियम ऑन पेन 10%, मुझे बताइए पेन का नया रेट क्या होगा? पेन 10% प्रीमियम पर है, जल्दी से बताइए पेन का नया रेट क्या होगा? जल्दी से बताओ मोहन प्यारे, जल्दी से। सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सीए फाइनल में है हम लोग। हाँ सर, अब तो हमारे ऊपर बात आ गई, अब तो हम फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी से बताओ, एक पेन आज 70 रुपए का है और पेन 6 महीने में 10% प्रीमियम पर होगा, तो भाई जल्दी से बताओ कि कितने का हो जाएगा पेन? सिक्स मंथ प्रीमियम ही हमें दिया हुआ है 10%, तो 6 मंथ प्रीमियम है 10%। अब देखो क्या दिक्कत आती है फाइनल वाले बच्चे के साथ। अब मैं बताता हूं, फाइनल वाले बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कुछ करके मानेंगे। भाई साहब मैंने पूछा क्या था? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एक पेन आज 70 रुपए का है, ठीक है जी, और पेन 6 महीने बाद प्रीमियम यानी महंगा मिलेगा 10%, तो बताओ कितने का मिलेगा? अगर मैं 7th क्लास के बच्चे से पूछूं तो वो शायद आराम से आंसर कर देगा, क्योंकि उसको उसके दिमाग में ना फालतू पचड़ा नहीं है। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, हमारे दिमाग में दोस्त पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है कि हम गलती कर जाते हैं। अब मेरे पास कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं, देखो मैं आपको एक दो आंसर का सैंपल देता हूं। एक आंसर आ रहा है मेरे पास 63, एक आ रहा है 73.5, एक आ रहा है 77, जो करेक्ट आंसर है 77 है। अब ये आंसर क्यों आते हैं सर हमारे दिमाग में? हमें ऐसा लगता है कि हम सीए फाइनल में हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो कुछ करके मानेंगे। इतना आसान क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है? एक पेन आज 70 रुपए का है, एक पेन आज 70 रुपए का है और 6 महीने बाद वो पेन 10% महंगा हो जाएगा, तो 77 का हो जाएगा। मुझे ये बताएं भाई, इस क्वेश्चन में क्या ऐसी समस्या है जो हम इतना दिमाग लगा रहे हैं? ठीक है, एक पेन 70 का है, 6 महीने बाद पेन 10% महंगा हो जाएगा। आपने पता है क्या किया? पेन में ऐड नहीं किए बल्कि रुपए में ऐड किया। ये आप ना इन जनरल आम जिंदगी में करते ही हो, लेकिन जब ये चीज फॉरेक्स में करनी पड़ती है तो दिमाग घूमने लगता है। कैसे दिमाग चलता है हमारा? सर तो हमारा दिमाग चलता है कि यार पेन महंगा हुआ है, तो कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि सर पेन महंगा हुआ है तो पेन में 10% ऐड कर दो ना, यानी कि एक पेन में 70 रुपए। तो बच्चे कहेंगे ऐसे कर लो, पेन महंगा हुआ है ना सर, पेन महंगा नहीं, पेन महंगा हुआ है लेकिन ऐड तो रुपए में करना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, एक पेन है 70 रुपए का, पेन 10% महंगा हो गया, तो पेन में होना 10% ऐड करोगे, ऐड तो रुपए में करोगे ना। बिल्कुल सिमिलर मैनर में इसको आप कॉपी करेंगे ताकि आप इसको कंपेयर कर पाए डॉलर से। $1 अगर आज 70 रुपए का है, $1 अगर आज 70 रुपए का है और 6 मंथ प्रीमियम
ऑन डॉलर 10%। बिल्कुल सिमिलर मैनर में तो मुझे बताइए डॉलर का नया रेट क्या होगा। ये नोट कर लेना कि डॉलर प्रीमियम पर था और हमने ऐड किस में किए, रुपए में, सॉरी हाँ रुपए में, डॉलर प्रीमियम पर था और हमने ऐड किस में किया है, रुपए में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नोट कर लो, डॉलर प्रीमियम पर है तो ऐड रुपीस में करेंगे और अगर समझ में नहीं आया तो हम पेन वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। राइट, इज दैट क्लियर? तो सर जो चीज भी प्रीमियम पर होगी, अगर लेफ्ट करेंसी प्रीमियम पर है तो ऐड यहां पर होगा राइट में, और अगर लेफ्ट करेंसी डिस्काउंट पर है तो लेस भी किस में होगा, राइट में, मतलब करेंगे राइट में ही जो करना है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट करेंसी या प्रीमियम डिस्काउंट पर होगी। इज दैट क्लियर सर? ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आगे देखते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन देखते हैं। $1 में ₹70 है, ठीक है जी। प्रीमियम ऑन 6 month प्रीमियम ऑन रुपीस 10%, कंप्यूट फॉरवर्ड रेट, कंप्यूट फॉरवर्ड रेट। कहता है रुपीस प्रीमियम पर है। आ गई सर आफत। सर क्या आफत आ गई? सर अगर ये कहता डॉलर प्रीमियम पर है तो मैं सिंपल सिंपल 10% ऐड कर देता। अब ये कहता है रुपीस प्रीमियम पर है, ठीक है, अब क्या करें सर? जब भी आप सिंपल भाषा में नोट करो, अगर रुपीस 10% प्रीमियम पर है तो इसका मतलब डॉलर 10% डिस्काउंट पर है। हमने ऐसा इसलिए किया किया कि क्योंकि क्योंकि हमें प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी के बारे में चाहिए होता है। अपना माइंड सेट कर लीजिए बच्चों कि हमें हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट लेफ्ट करेंसी के बारे में चाहिए। ठीक है, प्रीमियम या डिस्काउंट लेफ्ट करेंसी के बारे में चाहिए। अगर राइट के बारे में गिवन है तो हम लेफ्ट के बारे में उसका रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ICAI का पॉइंट ऑफ व्यू है।
आईसीएआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझिए। अब आप एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यहां पर कि सर अगर ₹10% प्रीमियम पर है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें समझाया कि अगर एक करेंसी प्रीमियम पर होगी तो नो डाउट दूसरी डिस्काउंट पर होगी, लेकिन परसेंटेज अलग होगी। लेकिन सर आपने तो सेम मान ली। सर ये आपके आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कुछ नहीं माना। मैं तो अभी भी कह रहा हूं अलग होगी, लेकिन आईसीआई का कहना है कि आप ये बेस्ट अजम्पशन ले सकते हैं कि वो सिमिलर होगा, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है। तो आईसीआई का व्यू क्या है कि हम सेम परसेंटेज को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक करेंसी प्रीमियम पर होती है तो दूसरी डिस्काउंट पर होगी, लेकिन लेकिन मैथमेटिकली मैथमेटिकली परसेंटेज सेम नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन आईसीएआई की अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज सेम ले सकते हैं। एसएमएस वाली भाषा यूज किया करो सर। अपनी सोच को जब तक आप फॉरेक्स में नहीं लिखोगे ना, तो सर सोचते रह जाओगे। सोच को लिखो, बहुत जरूरी है सर। थॉट प्रोसेस को लिखो जो तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है ना? और लिखो किस भाषा में? एसएमएस, क्योंकि एग्जाम में तो आना नहीं है ये। एसएमएस वाली भाषा में लिखो, जैसे हम लिखते हैं ना, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, कहाँ जा रही हो, बस सर उसी भाषा में लिखना है हमें। ठीक अब कुल मिलाकर बात क्या है सर? बात यह है, आज स्पॉट रेट जो था वो क्या था? $1 में ₹70। अब प्रीमियम हमें किस पर दिया हुआ है? रुपीस पर। रुपीस 10% प्रीमियम पर है, लेकिन साहब समस्या ये है कि हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करेंसी पर प्रीमियम या डिस्काउंट चाहिए। हम उसका रिवर्स लेंगे, हम उसका रिवर्स लेंगे। तो अगर रुपीस प्रीमियम पर है, तो उसका दूसरा मतलब क्या है कि डॉलर डॉलर डिस्काउंट पर होगा। कितने परसेंट डिस्काउंट पर होगा? 10%। 10%। हालांकि प्रैक्टिकली ये मैथमेटिकली ये परसेंटेज डिफरेंट आएगी, लेकिन आईसीए की अजम्पशन है कि सर आप इस परसेंटेज को सेम मान सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके अकॉर्डिंग अब मेरा नया रेट क्या होगा? डॉलर 10% डिस्काउंट पर है, तो साहब हो गया काम, बस अब कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है हमें? अगर डॉलर डिस्काउंट पर है, $1 ₹70 का था, डिस्काउंट पर है, तो अब $1 कितने रुपए में आएगा सर? डॉलर डिस्काउंट में आएगा, यानी कि अब ₹63 का आएगा। हाँ अंकिता जी, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, या आप कैलकुलेट मत कीजिए। अगर मैं आपको, अगर आप बिल्कुल फर्म चाहते हैं कि वैसा का वैसा हो, तो आप रुपीस को लेफ्ट में ले जाइए, देन आप डिस्काउंट की परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। रुपीस को लेफ्ट में ले जाइए, क्या समस्या है? रुपीस को लेफ्ट में ले जाइए, हल्का सा माइनर सा आंसर में डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि आईसीआई इसकी एग्जम्पशन को सर्टिफाइड करता है, उसके जो क्वेश्चन है वो सिमिलर उसमें है। राइट भाई, देखो ना, हमें रुपीस प्रीमियम पर दिया हुआ है ना, तो आपका आप एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि ₹1 = 1/70, और इस पर वो प्रीमियम की परसेंटेज लगा दीजिए। रुपीस को लेफ्ट में ले जाइए,
रुपीस को लेफ्ट में ले जाइए, क्योंकि हमें प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा लेफ्ट करेंसी के बारे में चाहिए ताकि हम उसे राइट में अप्लाई कर पाए। हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, माइनस का डिफरेंस आएगा लेकिन वो करेक्ट है। चलिए आइए जल्दी से इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं और अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। ए पर्सन हैज टू पे 13,750 डॉलर आफ्टर 3 मंथ टूडे। कहता है एक व्यक्ति को आज से 3 महीने बाद इतने डॉलर पे करने हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है आज का रेट, 3 महीने बाद का रेट गिवन नहीं है, ये आज का रेट है। कहता है रुपीज इज लाइकली टू डेप्रिशिएट बाय 5% ओवर 3 मंथ। कहता है 1 रुपए फिलहाल ये हमारा स्पॉट रेट है, ये हमारा स्पॉट रेट है। रुपीज इज लाइकली टू डेप्रिशिएट बाय 5% ओवर 3 मंथ। कहता है रुपीज 5% डिस्काउंट पर होगा 3 महीने बाद या डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट करेंसी के बारे में ही गिवन है, ठीक है। तो हमें यहां पर प्रीमियम, हमें यहाँ पर डिस्काउंट लेफ्ट करेंसी के बारे में गिवन है, कोई समस्या है ही नहीं। राइट के बारे में होता तो लेफ्ट के बारे में हम उल्टा मान लेते, 1-0.05। अब मुझे जल्दी से बताइए नया रेट क्या होगा। .0261, ठीक है सर, क्योंकि ये 4 डेट तक था तो मैंने 4 डेट तक ही लिया, राइट। हालांकि आप ज्यादा लोगे तो आंसर में माइनस डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। अब ये हमारा 3 महीने बाद रेट होगा। अब मुझे बताइए मेरे क्वेश्चन में डॉलर है या रुपीस। सर हमारे क्वेश्चन में डॉलर है, 13,750 डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा। जल्दी से बताइए कितना आएगा। फाइव टू सिक्स एट टू जीरो, राइट। हालांकि इसमें आप अगर कुछ थोड़ा चेंज करते हैं तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर। मेन आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं बेटा, ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने डिडी तक उसे लिया है। मेन कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जो गिवन था वो लेफ्ट के बारे में ही गिवन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ए पर्सन हैज टू पे 2,000 डॉलर आफ्टर 2 मंथ टूडे। कहता आज से ठीक 2 महीने बाद उसे 2,000 डॉलर पे करने हैं, आज का रेट है ये, तो आज का रेट हमारा क्या गिवन है, कितने रुपए, सॉरी इतने डॉलर। कहता है डॉलर इज लाइकली टू डेप्रिशिएट बाय 4%, तो यहां लिखो अगर डॉलर 4% डेप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब रुपीस 4% एप्रिशिएट होंगे होगा, और हमें हमेशा इसके बारे में चाहिए होता है राइट हैंड साइड करेंसी के बारे में।
रुपीज अगर 4% अप्रिशिएट होगा तो साहब नया रेट क्या निकल के आने वाला है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं साहब, नया रेट क्या आएगा? ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जर, जो मेन क्वेश्चन में परेशान करती हैं। 0.02704 डॉलर, और मेरे क्वेश्चन में है 2000 डॉलर, जिन्हें मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा डिवाइड? तो मुझे बताइए मेरे क्वेश्चन में कितने रुपीस इन्वॉल्व होंगे? 7,3,964। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट में डिफरेंस करने के कारण आंसर में डिफरेंस आ सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। अब ये वाला पॉइंट जब आता है तो तब भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन हैज टू पे 5,000 डॉलर आफ्टर 3 मंथ टूडे। कहता है एक पर्सन को आज से ठीक 3 महीने बाद 5,000 डॉलर पे करने हैं। आज का रेट तो है ये 70। कहता है एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू डिक्लाइन बाय 5%। अब यहां समस्या आ गई सर, यह बता नहीं रहा कि डॉलर डाउन हुआ है रुपीस, बस ये बोल रहा है एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू डिक्लाइन बाय 5%, ऐसी बात कर रहा है। तो हमारा जो स्पॉट रेट है वो क्या है? 70। दिस इज स्पॉट रेट, ठीक है सर। जब भी हमें ऐसा गिवन हो कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया, तो हम ये मानेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड करेंसी की ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब डॉलर 5% डिक्लाइन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये मेन क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, अदरवाइज तो लिख लीजिए एक्सचेंज रेट 5% से डिक्लाइन हो गया। और ये रेट डॉलर का है, इसका मतलब डॉलर 5% से डिक्लाइन हो गया, तो नया रेट, तो फॉरवर्ड रेट या एक्सपेक्टेड रेट $1 इज इक्वल टू ₹70, 1 माइनस 0.05 होगा। कितना हो गया सर ये? सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव नया रेट आ गया सर। तो $1 में कितने रुपए? 66.5। सर चीजों को ना जनरल तरीके से लिया करो, मतलब ये नहीं कि हमें चीजें रटनी है, बस सिंपल सी बात है। एक देखो, मैं सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूं, एक पेन आज 70 रुपए का है, ठीक है, फिर मैं बोलता हूं रेट 5% कम हो गया, तो बताओ मैं क्या बात कर रहा हूं? भी प्रैक्टिकल ना, मैं क्या बात कर रहा हूं कि पेन का रेट 5% कम हो गया, तो मैं लेफ्ट के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि रेट तो लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का ही है। तो उसने क्या बोला? एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा 5%, तो किसकी बात कर रहा होगा? डॉलर की। तो नया रेट ये होगा, और हमें 2 महीने बाद कितने डॉलर पे करने हैं सर? 5,000, 5,000, 5,266.5। बताइए एनी डाउट? डाउट? आज के लेक्चर को समराइज करूं तो मैंने आपको केवल पढ़ाया क्या है,
मैंने केवल ना आपको छोटी छोटी तीन चार बेसिक चीजें पढ़ाई हैं बस, जो कि आपको मेन क्वेश्चन में परेशान करती हैं। बेसिक चीजें क्या हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्स। सर रेट की इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? बैंक लेफ्ट करेंसी खरीदेगा तो बिड रेट लगेगा, बैंक लेफ्ट करेंसी बेचेगा तो आस्क रेट लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट में क्या है। लेफ्ट में होम करेंसी भी हो सकती है, लेफ्ट में फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लेफ्ट में क्या है। जो भी लेफ्ट में है वो बैंक खरीद रहा है तो बिड रेट लगेगा, जो भी लेफ्ट में है अगर बैंक उसे बेच रहा है तो आस्क रेट लगेगा। पहली बात, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, जिसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा डायरेक्ट कोट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कोट में सॉरी डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सर कन्वर्ट कैसे करना है? सिंपल सी बात है यार, वन अपॉन हो जाएगा यार। एक पेन 70 रुपए का है तो 1 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे? 1/70 पेन आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिमिलर मैनर में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करते हुए अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि बिड आस्क बन गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है बिड आस्क बन गया। सिंपल सी क्या बात है कि अगर बैंक $1 बेच रहा है और रुपए खरीद रहा है, तो रुपए को खरीदने का रेट और डॉलर को बेचने का रेट सेम होगा, तो उस सेंस से हमने उसको ले लिया। इज दैट क्लियर? और जहां तक बात है क्रॉस रेट की, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, उसे मैथमेटिकली सिंपल भाषा में लिखना सीख जाओ और इक्वेशन बनाना सीख जाओ, खत्म। क्रॉस रेट कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आया कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट गिवन हो और फॉरवर्ड रेट निकालना हो तो क्या करें? तो सिंपल सा काम करना है, हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट हमें चाहिए लेफ्ट करेंसी के बारे में। राइट के बारे में दिया हुआ है तो उसका रिवर्स ले लो, प्रीमियम दिया हुआ डिस्काउंट मान लो, डिस्काउंट दिया हुआ प्रीमियम मान लो। लेफ्ट के बारे में चाहिए, लेफ्ट के बारे में दिया हुआ बात खत्म। लेकिन अप्लाई, ध्यान से अप्लाई उसे राइट हैंड साइड में करना है। $1 में 70 रुपए डॉलर प्रीमियम पर है तो 70 रुपीज 70 में ऐड करना है प्रीमियम या माइनस करना है, तो अप्लाई उसे राइट में ही करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो पेन वाला एग्जाम्पल माइंड में लेके आ जाना। एक पेन 70 रुपए का है, पेन महंगा हो गया, तो भाई पेन महंगा हुआ तो पेन में थोड़ा ऐड कर दोगे, ऐड तो रुपए में ही करोगे ना। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जहां पे अजीब सा वर्ड हो कि भाई एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया मतलब क्या है कि लेफ्ट करेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो लेफ्ट करेंसी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो मतलब यहां उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहां उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि क्या डिक्लाइन हुआ है। क्या डिक्लाइन हुआ का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट करेंसी ही डिक्लाइन हुई है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्वैप पॉइंट क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल सुबह मिलते हैं, सुबह 7:30 बजे। और राइट बच्चों।